हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। सो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई बार ये PSUs के अंदर पूछ लिया जाता है कि 3-2-1 प्रिंसिपल से हम कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट कर सकते हैं, या कई बार पूछ लिया जाता है कि वी ब्लॉक से हम कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट कर सकते हैं। तो कई सारे क्वेश्चन दोस्तों इसके ऊपर बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये। तो आइए आज इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और डेफिनेटली ये टॉपिक अगर आता है PSUs के अंदर और कई बार पूछ लिया जाता है, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प कर .com। आप इस मेल आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग। आपको कोई करियर गाइडेंस चाहिए या आप मुझसे बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग योर करियर या कोई कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो आप मुझे डायरेक्टली यहाँ पर मेल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं। ये मेरा ऑफिस का नंबर है बेसिकली, आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं जब भी आपको दिक्कत आए। तो 9897104566। आपको कोई भी डाउट है आप मुझे डायरेक्टली फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर ये आपने पढ़ाया था, मुझे इस टॉपिक में डाउट आ रहा है, तो फिर मैं उस टॉपिक को देख के आपके उसके हिसाब से मैं आपको रिप्लाई बैक कर दूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप से। दोस्तों, इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, आप सभी लोग जानते हो, ठीक है। तो इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में भी नॉलेज नहीं है, या जो केवल अभी फ्री क्लासेस देख रहे हैं उनको भी ये भी नहीं पता कि यूट्यूब के अलावा भी फ्री क्लासेस होती हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों, अनअकैडमी के ऐप पर एक स्पेशल क्लास होता है। ये स्पेशल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लाइक यूट्यूब क्लासेस है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, तो आप यहाँ पर भी हमको ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये। एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम पढ़ाते हैं वो होता है यूट्यूब चैनल, जिसको आप अभी देख रहे हो प्रेजेंटली। यूट्यूब पे भी दोस्तों फ्री क्लासेस चलती हैं। इन दो क्लासेस को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि भाई यहाँ अनअकैडमी में अच्छे प्रोफेसर हैं, अच्छे एजुकेटर्स हैं जो हमें आगे ले जा सकते हैं, तब जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, तब जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। और जब आप पेमेंट करते हो तो दोस्तों फिर होता है आपका डेडिकेटेड कोर्स, ठीक है। ये होता है प्लस चैनल, यानी हमारा जो प्लस प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी का, ये पेड सब्सक्राइबर के लिए होता है। ये वो सब्सक्राइबर होते हैं जो पेड करके आते हैं और इनके लिए डेडिकेटेड कोर्स चलते हैं जिसमें हम कोई कोताही नहीं बरती जाती, मतलब बाकायदा टाइमली सिलेबस पूरा होता है। यस, और ये बच्चे वो होते हैं जिनको हम डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज देते रहते हैं ना, तो इनका जो प्लस वाले बच्चे होते हैं, चूंकि ये पेड सब्सक्राइबर होते हैं, तो इनके लिए दोस्तों एक तरह से स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। यू कैन से कि प्लस पे कोई क्लास मतलब मिस नहीं होती है, टाइमली चलती है, ठीक है। यूट्यूब और स्पेशल क्लासेस में ये है कि यहाँ पे भी हम लोग पढ़ाते हैं, नो डाउट, और इससे आपकी हेल्प भी होती है। ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं होती है, हम लोग इतना लेवल का यहाँ पे पढ़ा देते हैं कि आपके कई सारे कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में नहीं आए होते कॉलेज टाइम में, वो दूर होते हैं। लेकिन कभी ना कभी बीच में ना हर्डल्स आ जाते हैं, लाइक जैसे मेरा भी सोम का वो चल रहा था तो उसको बीच में रोकना पड़ा क्योंकि मुझे यूट्यूब पढ़ाना मतलब वाइजैक के लिए पढ़ा रहा था। तो इस तरह से वो बच्चों का लॉस हो जाता है जो एक कंटिन्यूअस प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो अगर आपको कंटिन्यूअस प्रिपरेशन करनी है, देन यू हैव टू कम ऑन द प्लस, और उसके लिए आपको पेड मेंबर बनना पड़ेगा। बाकी दोस्तों चॉइस आपकी है। कितने लोग आ चुके हैं? वेगी, वरुण, कलिका कुमार, संदीप सिंह, राजू कुमार, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अनअकैडमी में। दोस्तों जल्दी से मैं आपको समझा दूँ गेट और ESE के सब्सक्रिप्शन के बारे में, फटाफट से 2 मिनट लगेंगे। दोस्तों गेट ESE प्लस ऑल इंजीनियरिंग एग्जाम, प्लस ऑल इंजीनियरिंग एग्जाम से मतलब ये है कि आपका AE का एग्जाम या आपके स्टेट लेवल के AE के और JE के एग्जाम, यस, और कई सारे PSUs के एग्जाम, सारे एग्जाम्स की तैयारी, मतलब इंजीनियरिंग रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उन सारे एग्जाम की तैयारी ऑलमोस्ट अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे होती है, ठीक है फ्रेंड। इसके लिए कई सारे सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी ने आपको दे रखे हैं, 1 मंथ का 3 मंथ का 6 मंथ का, बट मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप इनके लिए अपना पैसा वेस्ट करें क्योंकि ये महंगे सब्सक्रिप्शन पड़ते हैं। यस, वो लोग जरूर इसको 3 मंथ वाले को एक बार के लिए दे सकते हैं जो लोग लॉकडाउन के अलावा। दोस्तों अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो अनअकैडमी ने जो 12 मंथ के सिलेबस की जो टोटल फ़ी रखी है, 12 मंथ के जो कोर्स होगा आपके लिए उसकी जो फ़ी रखी है 25,000 है, लेकिन अगर मेरा कोड यूज़ करते हैं GPS लाइव तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको फ़ीस पे करनी है 22,500 रुपये, ठीक है फ्रेंड। 22,500 रुपये में आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स को पढ़ सकते हो, ठीक। आपको बाकी कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, मैंने स्टार्टिंग में नंबर आपको दे रखा है, दोबारा नंबर दे दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं 9897104566 पे, 9897104566, ठीक है। आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, डायरेक्टली कोई दिक्कत परेशानी आ रही है डायरेक्टली आप मुझे इस पर कॉल मैसेज छोड़ दीजिए कि सर मुझे बात करनी है आपसे, मैं फिर जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा। इसके अलावा दोस्तों 24 मंथ का एक सब्सक्रिप्शन और है, ये उन बच्चों के लिए जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में है, ठीक है, या अपने फाइनल ईयर में पास आउट होने वाले। दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। कैसे सस्ता पड़ता है समझाता हूँ।
दोस्तों 30,000 का टोटल सब्सक्रिप्शन है दो दो साल का, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो GPS लाइव, तो ये आपको पड़ता है 27,000 रुपये का, क्योंकि आपको 10% का इसमें डिस्काउंट मिल जाता है। अब दोस्तों 27,000, एक साल वाला सब्सक्रिप्शन 22,500 का है, जिसमें आपको 1 ईयर के लिए प्रिपरेशन करने को मिलेगी। इसमें आपने 4,500 एक्स्ट्रा पे किए, तो टोटल हो गए 27,000। यानी 4,500 में एक तरह से मान के चलिए आपको एक साल फ्री मिल रहा है। यस, यानी 27,000 में आपको 2 साल मिल गए, यानी कि 4,500 रुपये महंगा है ये पिछले वाले सब्सक्रिप्शन से। यहाँ पे आपको 22,500 पे करने हैं, एक साल मिल रही है। यहाँ पे आपको 4,500 रुपये एक्स्ट्रा पे करने हैं, लेकिन 2 साल मिल रही है, तो इसलिए ये बेस्ट है दोस्तों। बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों, काम मेरा बताने का है, कोई दिक्कत परेशानी, मैंने नंबर आपको दे रखा है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल करिए। चलिए हटाइए सारी चीज़ों को, अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, फटाफट से सारे लोग जुड़ जाइए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिग्स एंड फिक्सचर, जो जनरली बच्चे छोड़ देते हैं, और इसके ऊपर कई बार PSU के अंदर क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। ठीक है, काफ़ी लोग आ चुके हैं। यमन आफले, वेरी गुड इवनिंग। आर्यन रोशन, विदान दास, हल्दर टडाशा, हल्दर आई एम फ्रॉम द विजाग, हेलो बेटा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन है जिग्स एंड फिक्सचर्स के ऊपर, तो स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द जिग्स एंड फिक्सचर्स, तो सामने लिखा हुआ सी केयरफुली। फिक्सर्स बीइंग यूज इन द मशीन शॉप, सबसे पहली चीज मशीन शॉप पे यूज होते हैं, जहाँ पे हम लोग मशीनिंग करते हैं वहाँ पे यूज होते हैं। आर स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड मैकेनिकल डिवाइसेज विच एनेबल इजी क्विक एंड कंसिस्टेंटली एक्यूरेट लोकेटिंग सपोर्टिंग एंड क्लैंपिंग। तीन बातें याद रखनी है, लोकेटिंग, सपोर्टिंग एंड क्लैंपिंग, ये तीन काम बेसिकली हम लोग जिग्स एंड फिक्सर के अंदर करते हैं। तो जिग्स एंड फिक्सर क्या है, जिग्स एंड फिक्सर मैकेनिकल डिवाइसेस हैं जो इनेबल करती हैं ईजी क्विक एंड कंसिस्टेंटली एक्यूरेट लोकेटिंग सपोर्टिंग क्लैंपिंग, किसको, ब्लैंक्स अगेंस्ट कटिंग टूल, अगेंस्ट कटिंग टूल। दोस्तों जब मशीनिंग होगी, सी केयरफुली, जब मशीनिंग होगी तो क्या होगा, जब मशीनिंग होगी तो हमारा जो ब्लैंक होगा, ब्लैंक का मतलब क्या है, जिसपे हमें मशीनिंग करनी है, जो हमारा ब्लैंक है जिसपे मशीनिंग करनी है, ठीक है। तो ब्लैंक के ऊपर हम लोग मशीनिंग करेंगे तो होता क्या है, कटिंग टूल, कटिंग टूल उस ब्लैंक के ऊपर फोर्स लगाता है, उससे क्या होता है, वो ब्लैंक अपनी जगह से खिसक सकता है, अपनी जगह से कहीं जा सकता है, हिल सकता है, जिससे क्या होगा, इनएक्यूरेसी आएगी डायमेंशंस के अंदर। यस, इनएक्यूरेसी के अलावा कटिंग टूल भी डैमेज हो सकता है, और कई सारे मतलब नुकसान हो सकते हैं। इसलिए जरूरत पड़ती है किसकी, इसीलिए जरूरत पड़ती है कि जो हमारा ब्लैंक है उसको हम अच्छे से लोकेट कर पाए, अच्छे लोकेशन, लोकेटिंग का मतलब होता है प्लेस कर पाए, लोकेटिंग का सिंपल सा मतलब है एक सही जगह पर उसे हम प्लेस कर पाए, उसे सही से हम लोग सपोर्ट दे पाए। दूसरा पॉइंट हो गया सपोर्टिंग, और तीसरा मेन पॉइंट, सपोर्ट देने के बाद हम उस पर क्लैंप भी कर पाए, क्लैंपिंग का मतलब एक तरह से उसको हम फिक्स कर पाए ताकि वो इधर उधर मूव ना कर पाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो फिक्सचर्स आर व्हाट, फिक्सचर रिजिड मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड मैकेनिकल डिवाइसेस हैं जो एक तरह से वर्क को होल्ड करती हैं। क्या करती हैं, वर्क मतलब वर्क पीस को होल्ड करती हैं, ठीक है। किसके लिए होल्ड करना है हमें उन्हें, जो कटिंग आए, कटिंग टूल आएगा तो वो उस पर फोर्स लगाएगा वर्क पीस के ऊपर, और हो सकता है वर्क पीस वहां से खिसक जाए, हिल जाए अपनी प्लेस से, इसलिए हमें उसे पकड़ के रखना है। इसीलिए दोस्तों इस चैप्टर का आप दूसरा नाम चाहो तो डाल सकते हो, वर्क होल्डिंग डिवाइस। कुल मिला के इस पूरे चैप्टर में हम लोग वर्क होल्डिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, वर्क होल्डिंग डिवाइस और द वर्क होल्डिंग प्रिंसिपल। वर्क का मतलब वर्क पीस, ठीक है। तो अगर हम लोग फिक्सर यूज करते हैं तो उससे क्या होगा दोस्तों, फास्टर हमें मतलब जल्दी काम होगा हमारा, एक्यूरेसी मिलेगी मशीनिंग के अंदर, यस, और कंसिस्टेंट क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा इंटरचेंजेबिलिटी, इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम क्विकली किसी एक लॉट में से पार्ट को उठाया और उसी किसी दूसरी जगह पर उसको फिक्स कर दिया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटरचेंजेबिलिटी, दोस्तों देखो इंटरचेंजेबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है, यहां बता देता हूँ एक मिनट के लिए। कोई भी मान लीजिए लॉट बन रहा है, इस लॉट के अंदर बहुत सारे लॉट बन रहे हैं और इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, पार्ट्स हैं, काफ़ी सारे पार्ट्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, लेट अज्यूम थाउजेंड्स ऑफ पार्ट्स आर देयर, और ये पार्ट्स किसी दूसरे किसी कंपोनेंट के साथ अटैच होने हैं। तो
तो आप रैंडमली कोई पार्ट उठाएंगे और इसमें अटैच कर देंगे। मान लीजिए कंपोनेंट टू है ये और ये कंपोनेंट वन है, ये पार्ट्स को हम कंपोनेंट वन बोल रहे हैं। तो आप रैंडमली एक पार्ट उठाएंगे और इसके अंदर अटैच कर देंगे कंपोनेंट टू के अंदर, और वो उसके अंदर फिक्स हो जाएगा। तो ऐसे जिसको बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी, इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब होता है कि हम रैंडमली कोई भी पार्ट उठाएं और वो दूसरे पार्ट में एज इट इज फिक्स हो जाए। मतलब हमें देख उसको बार बार हमें उसकी डायमेंशन को चेंज ना करना पड़े। बाकी इसको और डिटेल में मैं पढ़ा सकता हूँ, बट अभी इतना आप समझ लो। इंटरचेंजेबिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि स्टैंडर्डाइजेशन अगर आप फॉलो करते हो, आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हो, तो आप जो भी कंपोनेंट बनाते हो, आप जो भी कंपोनेंट बनाते हो तो उसको आप किसी दूसरे पार्ट के साथ जब असेंबल करते हो तो वो एक्यूरेटली उसमें फिक्स हो जाता है विद द क्लोज टॉलरेंस। जैसे कि आप इमेजिन करिए, आप लोग के घर में जब कोई बल्ब होता है, बल्ब बल्ब की बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक बल्ब की बात कर रहा हूँ या CFL की बात कर रहा हूँ मैं, तो दोस्तों आपका जब बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो आप क्या करते हो, मार्केट में जाते हो, मार्केट में जाके आप उससे बल्ब लेके आ जाते हो और पुराने वाले बल्ब को हटा देते हो और नया वाला बल्ब होल्डर के अंदर लगा देते हो, तो वो होल्डर के अंदर एग्जैक्टली फिट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द इंटरचेंजेबिलिटी। मतलब आपको डायमेंशन सेट करने की बार बार आवश्यकता नहीं पड़ती। इंटरचेंजेबली हम लोग तभी ला सकते हैं जब हम स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। बट फिलहाल अभी वहां तक हम नहीं जा रहे, टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होते, क्योंकि हमें केवल अभी केवल रेस्ट्रिक्ट रहना है किस पे, फिक्सर्स और जिग्स पे, ठीक है। तो फिक्सर और जिग्स इज आर नथिंग, दे आर द वर्क होल्डिंग डिवाइसेज। ये क्या करते हैं, ये वर्क को होल्ड करते हैं, ठीक है दोस्तों। नाउ अब दोनों में डिफरेंस क्या है, फिक्सर में और जिग्स में? एक मामूली सा डिफरेंस है दोस्तों, जिग्स एंड फिक्सर दोनों ही सेम चीजें हैं। अब यहां देखिए, जिग इज अ फिक्सर विद एन एडिशनल फीचर ऑफ टूल गाइडेंस। लिसन केयरफुली, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार पूछा जाता है पेपर के अंदर और कंफ्यूजन के लिए दिया जाता है दोस्तों। फिक्सर्स आर व्हाट, फिक्सर्स वो हैं जो वर्क को होल्ड करेंगे, ठीक है, होल्ड करेंगे, लोकेट करेंगे, यस। और उससे हम लोग उसके लिए हम होल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर जगह पे लोकेट करेंगे। सी केयरफुली, सीक्वेंस बता रहा हूँ, प्रॉपर जगह पे लोकेट करेंगे नंबर वन, उसको अच्छे से सपोर्ट देंगे नंबर टू, और जरूरत पड़ी तो उसको क्लैंप करेंगे। ये तीन काम बेसिकली हम वर्क होल्डिंग प्रिंसिपल के अंदर करते हैं, वर्क का मतलब वर्क पीस के लिए, ठीक। अब ये जो फिक्सर्स होते हैं ये केवल वर्क पीस को होल्ड करते हैं। जिग्स क्या करते हैं, जिग्स के अंदर एक एडिशनल फीचर होता है, वो टूल को गाइड भी करते हैं, वो टूल को गाइड भी करते हैं, मतलब टूल को वो रास्ता भी बताते हैं। मैं बोलूं टूल को गाइड करते हैं कि भैया यहां पे कटिंग करो, तो जिग्स के अंदर एक एडिशनल फीचर होता है, वो टूल को गाइड और करते हैं। मतलब ये काम तो करेंगे ही, वो यहां पे जो लिखे हुए हैं फिक्सर वाला काम तो जिग करेगा ही करेगा, उसके अलावा इसके अंदर एक फीचर और है, ये टूल को भी गाइड करेगा। आ गई बात समझ में दोस्तों, ये टूल को भी गाइड करेगा। तो मेन डिफरेंस क्या है फिक्सर्स और जिग में, फिक्सर केवल और केवल वर्क पीस को होल्ड करता है, सपोर्ट करता है, क्लैम कर सकता है, बट टूल को गाइड नहीं करता, ठीक है। फिक्सर कैन नॉट गाइड द टूल, इट डज नॉट गाइड द टूल, ठीक है, ये डज नॉट गाइड द टूल, ये टूल को कभी भी गाइड नहीं करेगा। बस जिग्स में एक एडिशनल फीचर आ जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है कि ये टूल को गाइड भी करेगा, इतना सा बस अंतर है दोस्तों, ठीक है। एक मतलब स्टार्टिंग अंतर, स्टार्टिंग में बात करूं तो इतना सा इनमें फिलहाल अंतर है। इसके अंदर एक एडिशनल फीचर है कि टूल को भी गाइड करेगा, ठीक है। ये मतलब टूल को, वर्क पीस को होल्ड भी करेगा, और वर्क पीस के साथ साथ जो टूल आएगा उसको बताएगा कि यहां पर कटिंग कर। कैसे बताएगा आगे समझाऊंगा, कैसे ये जिग मतलब टूल को गाइड करेगा वो आगे समझाऊंगा मैं आपको। तो क्या क्या समझ में आ गया दोस्तों, फिक्सर्स क्या है, फिक्सर्स हैं वर्क को पकड़ने वाले डिवाइसेस, बात खत्म सिंपल लैंग्वेज में। जिग्स क्या है, जिग्स भी सेम काम करेंगे बट ये टूल को भी गाइड करेंगे, ये टूल को ये भी बताएंगे कि भैया यहां पे आके कटिंग कर दे तू, इतना सा बेसिक अंतर है। दूसरा फिक्सर्स जो होते हैं दोस्तों, एक दूसरा डिफरेंस और लिख लो इनके बीच में, यहां इंपॉर्टेंट नोट डाल के बता देता हूं मैं। जो फिक्सर्स होते हैं दोस्तों, फिक्सर आर जनरली जनरली हैवियर इन कंस्ट्रक्शन, मतलब ये थोड़े से हैवी होते हैं। जिग्स जिग्स थोड़े से लाइटर होते हैं। जिग्स कैसे होते हैं, लाइटर होते हैं, इसके कंपैरिजन में जिग्स लाइटर होते हैं, जिग्स आर लाइटर देन द फिक्सर।
ठीक है, सारे पॉइंट लिखते जाइएगा दोस्तों, कुछ भी पूछ सकता है पेपर में। ठीक है, फिक्सचर आर जनरली हैवियर इन कंस्ट्रक्शन, जिग्स आर लाइटर देन द फिक्सचर्स। ठीक, दूसरी चीज, दूसरा और एक और डिफरेंस के बीच में जान लीजिए, यहां लिख दे रहा हूं उस डिफरेंस को मैं। फिक्सर्स आर यूजुअली माउंटेड ऑन मशीन टूल्स, ये मशीन टूल से माउंटेड रहते हैं या मशीन टूल से जुड़े हुए रहते हैं, मशीन टूल्स। मशीन टूल्स बेटा, मशीन टूल जानते हैं ना आप लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मशीन टूल? ऋषभ सिन्हा वेरी गुड इवनिंग। सुजीत बेटा, ये मेटल कटिंग में जब मशीनिंग करते हैं वहां पर यूज होते हैं दोस्त। ठीक है, जब मेटल कटिंग में मशीनिंग करते हैं तो वर्क पीस को पकड़ने के लिए, एक बात बताइए, मान लो आपको मशीनिंग करनी है, ये कोई एक वर्क पीस है और ये एक सिंपल सा यहाँ सरफेस पर रखा हुआ है किसी पे, ये मान लीजिए किसी सरफेस पर रखा हुआ है, और यहाँ से कटिंग टूल आया, कौन आया? कटिंग टूल। और ये कटिंग टूल जब इधर आगे की तरफ जाएगा और जब से टकराएगा तो क्या है ये वर्क पीस, कट पाएगा? नहीं कट पाएगा, क्योंकि इसको हमने होल्ड नहीं किया, खिसक जाएगा आगे की तरफ। माइंड इट प्लीज, जब ये कटिंग टूल इससे टकराएगा वर्क पीस से तो ये वर्क पीस खिसक जाएगा, इसलिए वर्क पीस को पकड़ना पड़ेगा हमें, वर्क पीस को फिक्स करना पड़ेगा एक प्रॉपर जगह पे। इसलिए इसलिए जरूरत पड़ी किसकी, किसने? सुजीत ने पूछा था, इसलिए जरूरत पड़ती है बेटा वर्क होल्डिंग डिवाइसेस की, जिनको हम जिग्स एंड फिक्सर्स बोलते हैं। ठीक है, हाँ भाई, मुझे पहले ये बताइए, मैंने एक वर्ड यूज किया है यहाँ पे मशीन टूल, फिक्सर्स आर यूजुअली माउंटेड ऑन द मशीन टूल, मशीन टूल क्या होता है? प्लीज काइंडली रिप्लाई, मशीन टूल क्या होता है? वेगी वरुण, मिलिंग, ड्रिलिंग, कलिका, लेथ, मिलिंग एक्सेट्रा, और कोई? दोस्तों ध्यान से सुन लो, बहुत सारे बच्चे इसको टूल वर्ड सुनते ही कंफ्यूज हो जाते हैं, मशीन टूल की बात कर रहा हूं मैं, मशीन टूल है, कटिंग टूल नहीं है, ये माइंड इट प्लीज। देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। ठीक है, लिसन केयरफुली, अगर मैं बात करूं मशीन टूल की तो मशीन टूल मशीन को बोलते हैं, लाइक लेथ, ड्रिल, ड्रिल मशीन, मिलिंग मशीन, ब्रोचिंग मशीन। यस, तो मशीन टूल का मतलब मशीन, कटिंग टूल का मतलब वो पार्ट जो कटिंग करता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने क्या बोला, मशीन टूल, मशीन टूल का यहां पे मतलब है मशीन, कटिंग टूल नहीं बोल रहा, कटिंग टूल अलग होता है। ठीक है, मशीन टूल की बात कर रहा हूं मैं, तो मशीन टूल का मतलब मशीन। तो फिक्सर जनरली बेटा मशीन टूल से अटैच रहते हैं, मशीन टूल से जुड़े हुए होते हैं, जबकि जो जिग्स होते हैं, जिग्स क्योंकि उनका साइज छोटा होता है, वो लाइटर कंस्ट्रक्शन के होते हैं। जिग्स कैन बी आउटसाइड ऑफ द मशीन टूल, ये मशीन टूल के आउटसाइड भी हो सकते हैं। ठीक है, सर, फ्लूड मैकेनिक्स प्रोडक्शन आर रनिंग एट द सेम टाइम। यार एक्चुअली यार सैटरडे संडे को ना दिक्कत होती है दोस्त, यार क्या करूँ मैं, सैटरडे संडे को एक्चुअली हम लोग फिर नया कुछ प्लान नहीं कर पा रहे हैं, एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से वो भी चीज़ है। चलो मैं सर से कंसर्न करके एक बार हम लोग टाइमिंग को अलग अलग कर लेंगे बेटा, आज के लिए मैनेज कर लो मैं, बाकी कल की क्लास का देखते हैं क्या करना है। ठीक है, आज का मैनेज करो एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, आज का मैनेज करो, कल का देखेंगे कैसे करना है आगे से, हम लोग उसका ध्यान रखेंगे कि ये डिस्टर्बेंस ना हो किसी को। ठीक ना, अब दोस्तों जिग्स कैन बी आउटसाइड, जिग्स जो है आउटसाइड हो सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस और समझ लो एक और फटाफट से, मेन और एक और डिफरेंस क्या हो सकता है, क्योंकि जिग्स बेटा, जिग्स हैवियर होते हैं, जो सॉरी जो फिक्सर्स हैं वो बड़े होते हैं, हैवियर्स होते हैं, जनरली मशीन टूल के संग रहते हैं, तो ये यूज होते हैं। फिक्सर्स आर जनरली यूज्ड इन लेथ, मिलिंग, ग्राइंडिंग,
ग्राइंडिंग एक्सेट्रा, ये ग्राइंडिंग लेथ मिलिंग वाले प्रोसेस में यूज होता है। और जिग्स, जनरली जिग्स आर यूज्ड इन ड्रिलिंग ड्रिलिंग एंड रिलेटेड ऑपरेशन, ड्रिलिंग एंड रिलेटेड ऑपरेशन। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज इन्हीं से ऑब्जेक्टिव बनेगा, लिखते जाइएगा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से, सारे पॉइंट्स को लिखते जाइएगा। जिग्स आर यूज्ड इन ड्रिलिंग एंड रिलेटेड ऑपरेशन, रिलेटेड ऑपरेशन लाइक रीमिंग हो गया, टैपिंग हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ड्रिलिंग एंड रिलेटेड ऑपरेशन, ड्रिलिंग जैसे जो रिलेटेड ऑपरेशन है उनके साथ ये यूज होती है। ये सारे पॉइंट नोट डाउन करते जाइए, इन्हीं से ऑब्जेक्टिव बनता है बेटा। मोहन माया, मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ दोस्त, कल हम इस चीज पर फोकस कर लेंगे किस तरह से हमें क्लासेस करनी है, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन करिए ताकि हम आगे मूव कर पाए। नियाज अहमद भाई, यहाँ बीएड बड़ी होगी बेटा, क्या करा जाए, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। जो जो पॉइंट मैं लिखाता जा रहा हूँ प्लीज इनको नोट डाउन करते जाओ, ऑप्शन में यही आएंगे दोस्तों। ऐसे ऐसी चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है पीएसयू के पेपर में, माइंड इट प्लीज। मशीन टूल के ऊपर बहुत चीजें पूछी जाती हैं, डॉग क्या होता है, चक क्या होता है, फलाना फलानी चीज क्या होती है, और जनरली इन सब चीजों को बच्चे छोड़ देते हैं। यस, ड्रिलिंग में पूछा जाता है कि ड्रिफ्ट क्या होती है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं पीएसयू के अंदर। इसलिए प्लीज सब पॉइंट जो मैं लिखाता जा रहा हूँ उनको नोट डाउन करते जाओ। टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि अभी जो एग्जाम है मुझे लगता है वो 2 महीने से पहले नहीं होने वाला। मान लीजिए हमें लगता है कि और हम सिलेबस खींच सकते हैं, तो फिर दोस्तों हम लोग इस 60 दिन के सिलेबस को और आगे 80 दिन का कर देंगे, 75 दिन का कर देंगे, टेंशन नहीं लेनी है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए और आपका पीएसयू लेवल का तैयारी एटलीस्ट हो जाए अच्छे से, ठीक है। ये सारे पॉइंट प्लीज लिख लीजिए जल्दी से। नाउ अब दोस्तों अब बात करते हैं, अब जो स्लाइड आप देख रहे हैं ऊपर पड़ी है, पर्पज ऑफ यूजिंग फिक्सर एंड जिग्स, क्या पर्पज है फिक्सर और जिग्स को यूज करने का। बहुत ही बड़ी बात अब मैं बताने जा रहा हूँ, काफी बच्चे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे गलत करके आ जाते हैं। कैसे करके आते हैं बताता हूँ मैं, क्योंकि आपको एक चीज समझाने वाला हूँ आगे मैं, जो आपको सोचने मजबूर कर देगी व्हाट इज द लॉजिक। तो दोस्तों सी, सपोज करिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर अ मशीनिंग वर्क लाइक ड्रिलिंग अ थ्रू होल ऑफ अ गिवन डायमीटर इसेंट्रिकली इन द प्री मशीन्ड माइल्ड स्टील डिस्क, मतलब ये पहले से एक माइल्ड स्टील का डिस्क है यहाँ पे। यस, ये जो डिस्क आप देख रहे हो इसके अंदर हमें इस तरह से होल करना है, इस तरह से हमें होल करना है। तो क्या क्या प्रोसेस पैरामीटर हम लोग फॉलो करेंगे, किस तरह से होल को हम बनाएंगे वो देखिए आगे मैं समझाता हूँ। सामने देखेंगे, ये टॉप व्यू देख रहे हैं आप लोग एक तरह से, ये आपका इसका साइड व्यू कह सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पे हमें इसेंट्रिक होल बनाना है, यहाँ पे लिखा हुआ ना इसेंट्रिक होल, इसेंट्रिक यानी कि सेंटर पे होल ना बना के यहाँ हमें होल बनाना है। तो हम क्या क्या स्टेप इसके लिए फॉलो कर सकते हैं देखते हैं एक बार। ना तो देखिए दोस्तों, कन्वेंशनल ड्रिलिंग मशीन विदाउट यूजिंग एनी फिक्सर और जिग, द फॉलोइंग एलिमेंट्री स्टेप्स आर टू बी सिक्वेंटली फॉलोड। सी केयरफुली डियर फ्रेंड्स, अब अगर हमें ये इस तरह का होल बनाना है एक डिस्क के अंदर, ये डिस्क देख रहे हैं आप लोग, इस डिस्क के अंदर हमें ये होल बनाना है, तो ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम कन्वेंशनल ड्रिलिंग मशीन यूज कर रहे हैं तो क्या क्या हम करेंगे, क्लीनिंग एंड डीबरिंग ऑफ द ब्लैंक, जो हमारी डिस्क होगी पहले उसको क्लीन करेंगे, डीबर करेंगे। डीबर का मतलब होता है उसके अंदर कोई सरफेस फिनिश खराब हो रखी है, जिसके ऊपर बर आ रखी है, उस बर को हटा देंगे वहां से। मार्किंग ऑन द ब्लैंक, मार्क बनाएंगे उसमें, मान लो ये इस तरह का है, ये उसके ऊपर मार्किंग की जाती है बेटा लाइक दिस, कि यहाँ हमें होल करना है, मार्किंग करने में समय खराब होगा, ठीक है। उसके अलावा दो मार्किंग होगी, पहले तो उसके सेंटर की मार्किंग होगी, इसका खुद का सेंटर कहाँ पे है, और फिर जहाँ पे हमें होल बनाना है उसकी सेंटर की मार्किंग अलग होगी लाइक दिस। तो दो मार्किंग करने में समय लगेगा, ठीक है। पॉइंट समझते जाइएगा क्या बताने जा रहा हूँ मैं।
उसके अलावा पंच द सेंटर एट द डिजायर्ड लोकेशन एंड प्रिक पंच द पेरीफेरी ऑफ द होल टू बी मेड इन द डिस्क। मतलब कुल मिला के पंचिंग ऑपरेशन करेंगे और इस डिस्क को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, ये डिस्क बाहर निकल आएगी। ठीक, उसके बाद ये हमें जो जो ब्लैंक मिल जाएगा बड़ी बड़ी किसी शीट में से जो हमें ब्लैंक मिलेगा, उस ब्लैंक को फिर हम लोग क्या करेंगे, उस ब्लैंक को हम लोग माउंट करेंगे ड्रिलिंग वाइस के ऊपर। वाइस क्या होता है, जो वर्क पीस को पकड़ने के काम में आता है। ठीक है, तो ड्रिलिंग वाइस के ऊपर इसको होल्ड कर देंगे, या किसी वी ब्लॉक के अंदर भी इसको हम होल्ड कर सकते हैं। वी ब्लॉक क्या होता है आगे बताऊंगा। ठीक है, वी ब्लॉक क्या होता है आगे हम देखेंगे अभी, ताकि उसको वो एक तरह सपोर्ट मिल जाए। उसके बाद पोजीशन द वाइस अलोंग द मार्क्ड ब्लैंक टू ब्रिंग द होल एक्सिस इन अलाइनमेंट विद द ड्रिल एक्सिस वाई। कुल मिला के उसको हमने वाइस में फिक्स कर दिया है। अब हम उस फिक्स वाले इस फिक्स वाले ब्लैंक को जिसको हमने वाइस में फिक्स कर दिया है, अब हम इसको ड्रिल एक्सिस के पास ले जाएंगे। ड्रिल एक्सिस के पास ले जाने के कई तरीके हो सकते हैं, या तो हम इधर एडजस्टिंग द वाइस पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द फिक्स ड्रिल एक्सिस। मतलब मान लीजिए ड्रिलिंग का एक्सिस फिक्स है, मान लो ये ड्रिल बिट है और ये फिक्स है इसका एक्सिस, ये ड्रिल बिट है। ठीक है, तो हम इस वाइस को घुमा के इसके इसके एक्सिस के पास लेके जाएंगे, या तो हम ऐसा कर सकते हैं, या और मूविंग द ड्रिलिंग मशीन टेबल एंड लॉकिंग द टेबल पोजीशन, या फिर हम टेबल मान लो ये ड्रिल ये डिस्क यहाँ पे थी और ये टेबल पे जिस टेबल पे फिक्स थी उस टेबल को खिसका के इसके ड्रिल के सामने ले आएंगे, इस तरह से कर सकते हैं। और मूविंग द रेडियल आर्म एंड द ड्रिल हेड इफ इट इज द रेडियल ड्रिलिंग मशीन। अगर रेडियल ड्रिलिंग मशीन है तो ड्रिल मशीन के हेड को हम इधर उधर घुमा के इस सेंटर पर लेके आ जाएंगे। ये तीन तरह से हम उसकी सेंटरिंग कर लेंगे। ठीक है, ये सब बेटा ये सब चीज रेडियल ड्रिलिंग मशीन, ये सब आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं जब हम लोग प्लस पे पढ़ेंगे बेसिकली इसको। जो बच्चे प्लस पे हैं मेरे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिलहाल अभी क्रैश कोर्स के व्याप पे समझ लो। तो जितने लोगों ने ड्रिलिंग करी है अपने कॉलेज टाइम में, तो दोस्तों कुल मिला के ये तीन तरीके होंगे जहां पे हम इस ड्रिल ये ड्रिल बिट के एक्सिस को और इसके सेंटर को अलाइन करेंगे। उसके बाद आफ्टर फिक्सिंग द ब्लैंक वाइज एंड द टेबल अलाइनमेंट इट चेक्ड अगेन, उसका फिर से हम चेक करेंगे कि भैया ये ड्रिल का पॉइंट और इस सेंटर पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर से समय वेस्ट होगा हमारा। इतना करने के बाद अगर कोई एरर हमें मिला, इफ एनी एरर लाइक इसेंट्रिसिटी अगर हमें दिख रही है, तो फिर हम दोबारा चेक करके उसको रीएडजस्ट करेंगे, रीएडजस्टमेंट करेंगे, और इतना सब करने के बाद तब ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे। यानी कितना सारा समय हम वेस्ट करेंगे, ठीक है, कितना सारा समय हम वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर हम इतना सारा समय वेस्ट करेंगे तो फिर हो गई मशीनिंग, फिर तो हम लोग अपना कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं कुल मिला के, क्योंकि मशीनिंग टाइम एक तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट जो होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इतना सारा कुछ हमें करना पड़ रहा है। तो दोस्तों इन्हीं सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की जाती है जिग्स एंड फिक्सर्स की, जो वर्क पीस को होल्ड करते हैं, यस टूल को होल्ड करते हैं, और कई कई बार जिग्स के केस में टूल को गाइड भी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्यों जरूरत पड़ रही है, इस एग्जाम्पल से हमें साफ साफ दिख गया कि हम कन्वेंशनल प्रोसेस को अगर यूज करें तो बड़ी दिक्कत होने वाली है, कई सारा समय हमें लग जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको समझिए। तो क्यों जरूरत पड़ रही है हमें, क्योंकि कन्वेंशनल प्रोसेस से समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा जिससे कॉस्ट ज़्यादा आएगी। अब दोस्तों दो तीन तरीके हो सकते हैं, सी केयरफुली। अब इन सब चीज़ों को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑटोमेशन के थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और अब एक चीज आपको समझनी होगी, ऑटोमेशन के थ्रू ये सारे काम एलिमिनेट हो सकते हैं, बट ऑटोमेशन तब फायदेमंद होता है जब मास प्रोडक्शन हो। क्या हो? मास प्रोडक्शन। तो अगर आप मास प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप ऑटोमेशन करिए, बेहतरीन मशीनरी लाइए, कोई जरूरत ही नहीं है जिग्स एंड फिक्सर्स की। ठीक है, लेकिन हर इंडस्ट्री मास प्रोडक्शन नहीं करती, आपको ये समझना होगा, हर इंडस्ट्री मास प्रोडक्शन नहीं करती है। तो अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ सुनेंगे ध्यान से, तीन तरह के प्रोडक्शन होते हैं। एक होता है पीस प्रोडक्शन। पीस प्रोडक्शन बेसिकली स्पेसिफिक किसी पीस के लिए होता है जो कि बहुत ही कम जगह यूज होता है, किसी भी मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए यूज होता है ये। एक होता है बैच प्रोडक्शन, जिसमें हम कई सारे बैचेज में प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब कई सारे पीस बन गए, मान लो मैंने 20 पीस बोल दिए तो एक बैच हो गया एक तरह का। अब कई सारे बैचेज एक तरह से कर दिए जाएंगे, बहुत सारे बैचेज आप बनाए जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड द मास प्रोडक्शन। तो दोस्तों पीस प्रोडक्शन में तो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमें एक ही पीस बनाना है तो कैसे भी बनाइए, तो यहां तो हम बात ही नहीं कर रहे जिग्स एंड फिक्सर की। अब आता है मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में जिग्स एंड फिक्सर को हम यूज करेंगे, तो अगेन दोस्तों मास प्रोडक्शन के लिए
हमें जरूरत पड़ती है ऑटोमेशन की, तो ऑटोमेशन में जिग्स एंड फिक्सर की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं आती, माइंड इट प्लीज, क्योंकि वहाँ ऑटोमेटिकली मशीन्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली सारा कुछ अलाइनमेंट चेक कर लेते हैं, एवरीथिंग इज डन बाय द मशीन्स, मशीन इटसेल्फ। तो मास प्रोडक्शन में जिग्स एंड फिक्सर की जरूरत नहीं है। तो फिर जिग्स एंड फिक्सर की जरूरत क्या है? जिग्स एंड फिक्सर की जरूरत पड़ती है दोस्तों बैच, बैच में जो बैच प्रोडक्शन होता है उसके अंदर, यानी कि बैच प्रोडक्शन एक तरह का मीडियम प्रोडक्शन है, ना ना पीस प्रोडक्शन है, ना मास प्रोडक्शन है, मीडियम प्रोडक्शन है। तो वहां पे अगर आप बैच में अगर ऑटोमेशन कर रहे हो तो कॉस्ट बहुत ज्यादा ही होगी। आप ऑटोमेशन में मशीन लगाओगे, ऑटोमेटिक मशीन लगाओगे, रोबोट्स लगाओगे, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा जाएगी और आपका प्रोडक्शन इतना है नहीं, क्योंकि बैच प्रोडक्शन है, मास नहीं है। तो दोस्तों यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिग्स एंड फिक्सर आर रिक्वायर्ड, तो किस में रिक्वायर्ड होते हैं दोस्तों? वो बैच में, जहां पे बैच प्रोडक्शन होता है, मतलब क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, मीडियम है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं जिग्स एंड फिक्सर को। कई बच्चे गलत करके आ जाते हैं, मास प्रोडक्शन को टिक करके आ जाते हैं, गलत है बेटा आंसर। जिग्स एंड फिक्सर्स का यूज होता है बैच प्रोडक्शन में। किस में यूज होता है? बैच प्रोडक्शन में, क्योंकि बेटा मास प्रोडक्शन के लिए जनरली ऑटोमेशन यूज होता है, और ऑटोमेशन में मशीन अपने आप ही अलाइनमेंट कर लेती है, सब कुछ अपने आप हो जाता है वहां, तो वहां एरर आने के चांसेस नहीं होते, इसीलिए वहां जिग्स एंड फिक्सर का यूज नहीं होता। जिग्स एंड फिक्सर का यूज होता है बैच प्रोडक्शन में। तो दोस्तों इस पॉइंट को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि जिग्स एंड फिक्सर आर फ्रीक्वेंटली यूज इन बैच प्रोडक्शन। ठीक है, तो एक नंबर का क्वेश्चन ये बन गया बेटा आपका, बैच में यूज होता है जिग्स एंड फिक्सर, बैच बैच में यूज होता है। पवन कुमार पटनायक, वेरी गुड इवनिंग बेटा। हाँ संदीप सिंह, यस, और गाइड भी करेगा टूल को, संदीप सिंह ड्रिल में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मूव करें। बेटा रिप्लाई कर दिया करो। चलिए तो एक क्वेश्चन और क्या बन गया? बैच। अभी बिल्कुल ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्रैश कोर्स की तरह हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके मेन मेन पॉइंट इसमें सारे कवर हो जाएं। ठीक, चलिए अब दोस्तों आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट बन गया कि इसका यूज होता है जिग्स एंड फिक्सर का जनरली बैच प्रोडक्शन के अंदर। चलो आगे मूव करते हैं हम, डिजाइन कंसिडरेशन फॉर द जिग्स एंड फिक्सर्स। ठीक है, डिजाइन कंसिडरेशन की बात करेंगे, तो इसमें कुछ पॉइंट्स पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे मूव करेंगे। जिग्स एंड फिक्सर आर मैनुअली और पार्शियली पावर ऑपरेटेड डिवाइस। ठीक है, कई बार ये मैनुअली होता है, कई बार पावर ऑपरेटेड डिवाइस भी हो सकता है। टू फुलफिल द बेसिक पर्पज, जिग्स एंड फिक्सर आर कंप्राइज द सेवरल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ कि किसी भी जिग्स एंड फिक्सर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं। वॉट आर द सेवरल एलिमेंट्स ऑफ जिग्स एंड फिक्सर, जिग्स एंड फिक्सर के क्या क्या एलिमेंट होते हैं एज इंडिकेट इन फिगर 8.1.3। ये भी दिखाऊंगा मैं कौन सा फिगर है। तो इसके अंदर बेस बॉडी हो सकता है। देखिए जिग्स एंड फिक्सर का मतलब केवल यही नहीं है कि कोई एक क्लैंपिंग डिवाइस हो गया या नट बोल्ट हो गया, नहीं, जिग्स एंड फिक्सर एक वास्ट 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 वेराइटीज है इसके अंदर, वास्ट वेराइटी वेराइटीज ऑफ एलिमेंट्स हैं, माइंड इट प्लीज। केवल जिग्स ऐसा नहीं कि केवल क्लैंपिंग डिवाइस होना चाहिए या कोई मतलब फास्टनिंग डिवाइस होना चाहिए, नहीं, इसके अंदर कई सारे चीज़ों को मिला के जिग्स एंड फिक्सर बनता है। तो देखिए पहले मैं फिगर 8.13 की बात कर लेता हूँ, ये रहा 8.13 फिगर। तो दोस्तों ये सारी चीज़ एक तरह से जिग्स एंड फिक्सर को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें क्लैंपिंग स्क्रू हो सकते हैं, जिग ब्रैकेट हो सकता है, ठीक है, जिग क्या होता है आगे देखेंगे हम, सपोर्टिंग पिंस, यहाँ पे सपोर्टिंग पिंस लगे हुए हैं, लोकेटिंग पिंस हो सकते हैं, यस ये लोकेटिंग पिंस हो सकते हैं, जिग बुश, ये बुश है, ये बुश, और ये ड्रिल है। बुश का क्या काम होता बताऊंगा अभी आगे। ये ड्रिल बिट जा रहा है अंदर की तरफ, इधर ये ड्रिल बिट जा रहा है, यानी ये हमारा कटिंग टूल है, और ये हमारा एक तरह से यहाँ पे वर्क पीस है, ये वर्क पीस है, ये वर्क पीस है जिसको ये होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं, ये सब जिग्स एंड फिक्सर के अंदर आती हैं। मतलब जिग्स एंड फिक्सर कोई पर्टिकुलर चीज नहीं कि इसको हम जिग्स एंड फिक्सर बोल देंगे, जिग्स एंड फिक्सर कंबाइंड इफेक्ट के साथ आता है। ठीक है, हर चीज को जब बनाते हैं तब इन जिग्स एंड फिक्सर बनते हैं। ठीक, तो क्या क्या एलिमेंट है इस डायग्राम से हमें साफ साफ समझ में आ रहा है, आप यहां से इनके नाम देख सकते हैं, बेस एंड द बॉडी और फ्रेम, फ्रेम विद क्लैंपिंग फीचर। फ्रेम क्या चीज दोस्तों? ये जो आप देख रहे हो ये फ्रेम है, ये पूरा फ्रेम है।
ये फ्रेम है बेसिकली। देखिए फ्रेम भी जिग्स एंड फिक्सर का ही पार्ट है, मतलब अकेला नहीं हो सकता जिग्स। नाउ लोकेटिंग एलिमेंट्स फॉर प्रॉपर पोजिशनिंग एंड ऑरिएंटेशन ऑफ द ब्लैंक। लोकेटिंग एलिमेंट्स होते हैं लाइक जैसे लोकेटिंग पेन है दोस्तों, ये रही, ये वर्क पीस को प्रॉपर प्लेसमेंट करने के काम में आती है, ठीक है, कि वर्क पीस को मैं कहाँ प्लेस करना है। मतलब लोकेटिंग वर्ड जैसे आप सुने हैं तो समझ जाएंगे कि प्रॉपर प्लेसमेंट एंड द प्रॉपर यू कैन से ऑरिएंटेशन, किस एंगल पे हमें वर्क पीस को रखना है, उसके लिए हम इन पिंस की हेल्प लेते हैं, ठीक। ये लोकेटिंग और सपोर्टिंग दोनों ही काम कर सकती है, समटाइम इट इज कॉल्ड द सपोर्टिंग पिन दोस्तों, क्योंकि ये सपोर्ट कर रही है वर्क पीस को, ठीक है। तो ये लोकेशन का और सपोर्टिंग का दोनों का काम करती हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये लोकेटिंग पिन्स हो सकती हैं, यस। तो पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा लोकेटिंग पिन, सपोर्टिंग सरफेस एंड द बेस। कई बार हम सपोर्टिंग सरफेस रखते हैं, इस वाले डायग्राम में खैर नहीं है वो, कई बार हम लोग जनरली जैसे मान लीजिए इमेजिन करिए ये कोई एक वर्क पीस है, अब इसको हमें सपोर्ट करना है तो हम इसके नीचे एक फ्लैट सरफेस रख देते हैं लाइक दिस, ठीक है। मान लो कोई फ्रेम है या लाइक दिस, तो कई बार केसेस में ऐसा होता है कि हम एक सपोर्टिंग सरफेस रख देते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशनड है कि सपोर्टिंग सरफेस एंड द बेस, ठीक। अब वर्क पीस तो ये है, अब ये हवा में तो लटकेगा नहीं, से हमें कहीं बेस देना पड़ेगा, तो कई केसेस में इस तरह से हम बेस दे देते हैं नीचे। तो ये भी किसका हिस्सा है, जिग्स एंड फिक्सर्स का। एनएलसी इंडिया लिमिटेड विजाग का एग्जाम, बेटा पैटर्न ज्यादातर पीएसयू के सेम ही होते हैं, सब में टेक्निकल पूछा जाता है, इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, यस, और जीएस आपकी जो जनरल स्टडीज में जो आपका सारा पार्ट होता है, इसके अलावा रीजनिंग वगैरह वगैरह, तो सारे पार्ट दोस्तों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, हल्का फुल्का ऊपर नीचे क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, बाकी ज़्यादातर पी एस यू का एग्जाम सेम होता है। इसके अलावा दोस्तों क्लैंपिंग एलिमेंट्स, देखिए यहाँ पे ये क्लैंपिंग एलिमेंट है ये रहा, ठीक है, इस तरह से इसको कस देते हैं ऊपर से, एक्चुअली ये स्क्रू है, इसको घुमाते जाएंगे तो ये नीचे कसता चला जाएगा, यानी ये वर्क पीस को अच्छे से होल्ड कर लेगा। यहाँ पे इमेजिन करिए ये एक तरह का ये नट नट समझिए इसको, इसको हम घुमाते जा रहे हैं ऐसे करके, तो ये ऐसे करके इस एक्सिस को घूमता जाएगा, और इसके अंदर यहाँ पर थ्रेड्स बने होते हैं, उस थ्रेड्स की वजह से क्या होता है, ये वर्क पीस को अच्छे से होल्ड कर लेता है यहाँ पे आके, ये वर्क पीस है, ठीक है। टूल गाइडिंग फ्रेम और बुशेज, जब भी टूल गाइडिंग का नाम आएगा दोस्तों किससे रिलेट होगा, हमेशा वो जिग से, ठीक है, जिग से रिलेट हो जाएगा। बेटा हाँ पैटर्न ऊपर नीचे हो सकता है, पे क्वेश्चन की किसमें कितने ज़्यादा टेक्निकल पूछे जा रहे हैं, कितने वो पूछे जा रहे हैं, बट चीज़ें सेम ही रहती हैं ऑलमोस्ट, मतलब जो बेसिक इंजीनियरिंग है वो तो सेम ही रहेगी ना यार, इंजीनियरिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी, इंजीनियरिंग सेम रहेगी। चलिए पहले बेटा ये सब बातें आप मुझे कॉल कॉल कर लिया करो, डायरेक्ट नंबर दे रखा मैंने, डिस्टर्ब मत करो अभी, इसको पहले ख़त्म करते हैं, बीच में डिस्टर्ब मत करो, टॉपिक को ख़त्म करते हैं पहले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और मैंने बहुत बड़ी मुश्किल से आज आप लोगों के लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स बना के लाया हूँ आज मैं, ताकि टाइम कम कंज्यूम और आगे हम बढ़ पाएं। नाउ इंडेक्सिंग प्लेट और सिस्टम, कभी कभी इंडेक्सिंग प्लेट्स की हमें जरूरत पड़ती है, ये बेसिकली यूज होता है मिलिंग के केस में, ठीक है। ऑक्सिलरी एलिमेंट, फास्टनिंग पार्ट्स, जैसे कि कई बार ये फास्टनिंग एलिमेंट एक तरह का, ठीक है, हमने यहाँ पे नट बोल्ट लगा दिया, कहीं आगे पढ़ेंगे, आगे इसी लेक्चर में आज पढ़ाऊंगा, नट बोल्ट भी कई यूज करते हैं हम लोग वर्क पीस को होल्ड करने के लिए। तो कुल मिला के जिग्स एंड फिक्सर कोई एक अकेली चीज नहीं है, जिग्स एंड फिक्सर कॉम्बिनेशन है इन सारे एलिमेंट्स का। आ रही बात समझ में, जिग्स एंड फिक्सर इन सारे सारे एलिमेंट्स का क्या है, इन सारे एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। किसी किसी केस में एक सिंगल कंपोनेंट से भी काम, एलिमेंट से भी काम चल जाता है, कई केसेस में जब वर्क पीस बहुत ज्यादा बड़ा या कोई अलग शेप का हो जाए तो बहुत सारी चीजें हमें उसके साथ लगानी पड़ती हैं। सागर धर्मेक, बेटा कॉल करना मुझे, मैसेज करना, मैंने नंबर दे रखा वीडियो के स्टार्टिंग में, सबका कॉल उठाऊंगा, परेशान नहीं होना है, सारे डाउट क्लियर करूंगा, अभी क्लास करने दो, ठीक है। चलो दोस्तों नाउ डिजाइन कंसिडरेशन की बात कर रहे थे फॉर द जिग्स एंड फिक्सर्स, तो एलिमेंट मैंने आपको बता दिए, जिग्स एंड फिक्सर अकेला नहीं है, कॉम्बिनेशन होगा इन सारी चीजों का तब जाके बनता है जिग्स एंड फिक्सर्स। नाउ डिजाइन कंसिडरेशन फॉर द जिग्स एंड फिक्सर, तो क्या क्या डिजाइन कंसिडरेशन हमें जिग्स एंड फिक्सर में करने हैं, अगर आप जिग्स एंड फिक्सर को डिजाइन कर रहे हो, बना रहे हो वर्क पीस को होल्ड करने के लिए, तो आपको क्या क्या कंसिडरेशन ध्यान में रखने हैं, उसकी बातें करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला कंसिडरेशन,
सी केयरफुली, इजी क्विक एंड कंसिस्टेंटली एक्यूरेट लोकेटिंग ऑफ द ब्लैंक इन द जिग्स और फिक्चर इन रेफरेंस टू द कटिंग टूल। आपको जो ब्लैंक है उसको जिग्स और फिक्सर में फिक्स करना है, तो वो इजी होना चाहिए, क्विक होना चाहिए और कंसिस्टेंटली होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी जिग्स एंड फिक्सर इस तरह से डिजाइन करने हैं आप, कोई आपने एक एक ब्लैंक को मशीन कर दिया, तो आप दूसरा ब्लैंक जब लगाएं उसमें तो जो इजीली रिमूव हो जाए, क्विक हो और कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट का मतलब फटाफट से हम दूसरा ब्लैंक उसके अंदर होल्ड कर पाए। पहला पॉइंट, यानी जिस किसी भी जिग्स एंड फिक्सर को आप डिजाइन करने जा रहे हो तो उसके अंदर ये वाला प्रॉपर्टी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग रिजिड एंड स्टेबल सपोर्ट टू द ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब वर्क पीस से बेटा, यहां पे है ना वर्क पीस। जब आप जिग्स एंड फिक्सर्स को यूज कर रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग रिजिड और स्टेबल सपोर्ट देना चाहिए ब्लैंक को। ऐसा ना हो कि वर्क पीस को टूल आया, वर्क पीस से टकराया और वर्क पीस उखड़ गया वहां से। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो गौतम कट्टा भाई आप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, क्विक स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड क्लैंपिंग ऑफ द ब्लैंक इन द जिग्स और फिक्सर विदाउट इंटरप्टिंग एनी अदर ऑपरेशन। इस तरह से आपको जिग एंड फिक्सर को डिजाइन करना है कि वो किसी और ऑपरेशन को इंटरप्ट ना करें, ठीक है? लाइक के पहले आपको मान लो फेसिंग करनी है फॉर एग्जाम्पल, फिर आपको मान लो टर्निंग करनी है, तो ऐसा ना हो कि वो जिग्स एंड फिक्सर अटक रहा है, मतलब वो फर्दर प्रोसेस को होने में दिक्कत कर रहा है। तो इस तरह से आपको उनको रखते हुए डिजाइन करना है। इसके अलावा टूल गाइडेंस फॉर द सिलेंडर कटिंग टूल्स लाइक ड्रिल्स एंड रीमर। बेटा ये किससे अटैच होगा ये वाला पॉइंट? ये बेसिकली इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। ये बेसिकली कहाँ गया? ये पॉइंट चला गया फिक्सर्स के लिए, जिग्स के लिए। सिलेंडर कटिंग टूल, सिलेंडर का मतलब होता है पतला बेटा, है ना? पतले कटिंग टूल कौन होते हैं? पतले और लंबे कटिंग टूल कौन होते हैं? ड्रिल होते हैं, रीमर्स होते हैं। तो उसमें ये वाला पॉइंट चला गया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, इजी एंड क्विक लोडिंग, इजी एंड क्विक लोडिंग एंड अनलोडिंग द जॉब टू एंड फ्रॉम द जिग और द फिक्सर। मतलब आपने इस तरह से जिग एंड फिक्सर को डिजाइन नहीं करना है कि लोडिंग अनलोडिंग करने में बहुत समय लग जा रहा है। इस तरह से जिग एंड फिक्सर को डिजाइन करना है कि फौरन लोड हो जाए, फौरन अनलोड हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, यूज मिनिमम नंबर ऑफ पार्ट फॉर मेकिंग द जिग्स एंड फिक्सर। बिल्कुल ठीक पॉइंट। अगर आप बहुत सारे पार्ट्स से जिग्स एंड फिक्सर बना रहे हो तो फिर आप उन बहुत सारे पार्ट्स को ऑपरेट करोगे, ऑपरेट करने में समय बर्बाद होगा। इसीलिए कम से कम नंबर ऑफ पार्ट्स आपको यूज करने हैं जिग्स एंड फिक्सर में, यानी कि ये पार्ट आपका टाइम कंज्यूम करने से बचाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट एज मच एज पॉसिबल। बिल्कुल ठीक बात है। आप अपनी तरफ से कोई भी चीज यूज नहीं कर सकते कि भाई मैं अपनी तरफ से अपना दिमाग लगा के इसमें कोई अनस्टैंडर्ड पार्ट यूज कर लूँ। आप स्टैंडर्ड पार्ट को यूज करिए ताकि आपको क्या मिले, ताकि आपको उसमें इंटरचेंजेबिलिटी मिले। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब यही है कि अगर कोई पार्ट आपके जिग्स एंड फिक्सर का खराब हो जाए तो आप दूसरे पार्ट को फौरन उसके अंदर लगा पाए, या कोई हड़ल हमें ना आए। जिस तरह से मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था बल्ब वाला, भाई इमेजिन करो कि आप जब बाजार में मार्केट में जाते हो, आपका बल्ब खराब हो जाता है, तो आप नया बल्ब खरीद के लाते हो या सीएफएल खरीद के लाते हो, और अपने जो फ्यूज बल्ब होता है या सीएफएल जो होता है उसको हटा देते हो, नई वाली सीएफएल लगा देते हो, और वो होल्डर में एग्जैक्टली फिट हो जाती है। तो वो क्यों हो रही है? क्योंकि जो बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है। अगर वो स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेगी तो क्या होगा दोस्तों? आप जो बल्ब लेके आओगे नया वाला, वो आपके होल्डर में नहीं फिट होगा, और होल्डर में फिट नहीं होगा इसका मतलब क्या? आपको दिक्कत होगी। तो वही सेम चीज यहां पे भी है कि अगर आप स्टैंडर्ड पार्ट्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अपने जिग्स एंड फिक्सर में स्टैंडर्डाइज पार्ट को नहीं लगा रहे हो, तो कोई पार्ट मान लो आपको रिप्लेस करना है और वो स्टैंडर्ड पार्ट नहीं है, तो आप मार्केट से खरीद के लाओगे नया पार्ट, तो हो सकता है वो आपके जिग्स एंड फिक्सर की असेंबली में फिट ना हो। इसीलिए आपको स्टैंडर्ड पार्ट को हमेशा फॉलो करना है ना। रीजनेबल अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टेबिलिटी इफ फिजिबल टू अकोमोडेट स्लाइड वेरिएशन इन द जॉब। बिल्कुल ठीक बात है। कई बार का ऐसा होगा कि आपको अपने जॉब के साइज को चेंज करना होगा, तो उसी हिसाब से आपके जो जिग्स एंड फिक्सर है उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी अपने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर नीचे एडजस्ट कर ले, जिससे दूसरी डायमेंशन का जॉब आसानी से उसमें फिट हो जाए, ठीक है? प्रिवेंशन ऑफ जैमिंग ऑफ चिप बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं करना है आपको जिग्स एंड फिक्सर इतना ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं बना देना है कि जो चिप्स निकलेंगी मेटल कटिंग के बाद वो उसके अंदर जाम हो जाए, जिग्स एंड फिक्सर के अंदर वो फंस जाए और सारा कुछ गुड़ गोबर हो जाए।
इसलिए एक अच्छा स्पेस आपको छोड़ना है कि चिप जो आसानी से बाहर निकल के आ जाए, सफाई उसकी अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, इजी क्विक एंड एक्यूरेट इंडेक्सिंग सिस्टम इफ रिक्वायर्ड। ये बेटा मिलिंग के साथ चला गया, अगर मिलिंग आप लोग कर रहे हैं तो बहुत आसानी से उसकी इंडेक्सिंग हो जानी चाहिए। इंडेक्सिंग क्या होती है, मिलिंग में पढ़ेंगे। इसके अलावा इजी एंड सेफ हैंडलिंग एंड द मूविंग जिग्स एंड फिक्सर ऑन द मशीन टेबल, दैट इज द शेप साइज वेट एंड द शार्प एजेज एंड द कॉर्नर। मतलब जब आप जिग्स एंड फिक्सर को मशीन टेबल पे मूव कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि उससे किसी का हाथ कट जाए, उसके अंदर शार्प एजेज हैं, यस किसी को कोई हार्मफुल इफेक्ट पहुंचे। इसलिए इस तरह से आपको उसकी डिजाइनिंग करनी है, उसके अंदर शार्प कॉर्नर ना आए, शार्प एजेज ना आए, यस, और बहुत ज़्यादा हैवी ना हो वो, ताकि वो ईजीली हैंडल हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ईजी एंड क्विक रिमूवल एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ द स्मॉल पार्ट्स। अगर कोई छोटे पार्ट को आप मशीन कर रहे हो तो बहुत आसानी से वो उसमें से बाहर निकल के आ जाए। दूसरा, उसके अंदर दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि बहुत आसानी से मैन्युफैक्चर हो जाना चाहिए। तीसरा, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए और मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कोई चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होनी चाहिए और वो आसानी से मेंटेन हो जाए। इसके अलावा सर्विस लाइफ अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आपको किसी भी जिग्स एंड फिक्सर की डिज़ाइनिंग करनी होगी। ठीक है दोस्तों, नाउ अब बढ़ते हैं आगे, अब आता है सारा मुद्दा असल। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट आप समझ गए होंगे और ये बिल्कुल इंजीनियरिंग रिलेटेड पॉइंट्स हैं। आप लोग मशीन, आप लोग अपने वर्कशॉप स्टडी के अंदर इन सबको पढ़ते भी हो, और ये दोस्तों प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी जनरली बच्चे स्कीप करते हैं, नहीं समझते हैं, और यही चीज़ें काफ़ी पूछी जाती हैं। क्योंकि आप एक चीज़ इमेजिन करिए दोस्तों, आप लोग अपने कॉलेज में क्या पढ़ते हो, आप लोग अपने कॉलेज में वर्कशॉप में बहुत जाते हो, वहाँ पे आपको टूल के बारे में पढ़ाया जाता है, लेथ मशीन होती है, ड्रिल मशीन, सारी मशीनें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, इसलिए ऐसी चीज़ों से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। इसलिए इन पर फोकस अच्छे से किया करो प्लीज। ठीक है, चलो तो नाउ आगे मूव करते हैं। प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ लोकेटिंग, सपोर्टिंग एंड क्लैंपिंग। मैंने अभी अभी आपको बताया तीन चीज़ों पे जिग्स एंड फिक्सर चलता है। लोकेट करने पे, लोकेट का मतलब होता है प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द वर्क पीस, सपोर्ट करना है उसको हमें, और तीसरा काम है क्लैम्प करना है, जरूरत पड़े तो फिर उसको क्लैम्प करना है। क्लैम्प का मतलब होता है उसे एक तरह से फिक्स कर देना, उसे एक तरह से फिक्स कर देना। ठीक है, तो देखिए, इट इज ऑलरेडी एम्फेसाइज दैट द मेन फंक्शन ऑफ द जिग्स एंड फिक्सर्स आर, अभी अभी मैंने क्या बताया, इजीली क्विकली फर्मली एंड कंसिस्टेंटली एक्यूरेटली लोडिंग सपोर्टिंग एंड क्लैंपिंग। ये तीन पॉइंट्स हैं दोस्तों, लोकेटिंग, सपोर्टिंग एंड क्लैंपिंग, ये तीन पॉइंट यहाँ भी मैंने लिखे हैं। देखो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इन तीन चीज़ों पर कोई भी जिग्स एंड फिक्सर काम करते हैं। जनरली लोकेटिंग एंड सपोर्टिंग एक साथ चलती है, जनरली है ना, काफ़ी केसेस में एक साथ हो सकती है। जरूरत पड़ने पे दोस्तों तीसरा काम होता है क्लैंपिंग करना। ठीक है, क्लैंपिंग की भी आवश्यकता पड़ती है हमें, तो कि भाई क्लैंप भी हमें करना पड़ेगा वर्कपीस को, अदरवाइज वर्कपीस टूल के फोर्स से भग जाएगा। ठीक, तो क्या है, इजीली क्विकली फर्मली एंड कंसिस्टेंटली एक्यूरेटली लोकेटिंग सपोर्टिंग एंड क्लैंपिंग द ब्लैंक इन रेस्पेक्ट टू द कटिंग टूल। कटिंग टूल के रेस्पेक्ट में सारे काम हमें करने हैं। इसके अलावा प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू द सिलेंडर कटिंग टूल यूजिंग प्रॉपर बुशेज। सिलेंडर कटिंग टूल का मतलब क्या हो गया दोस्तों, सिलेंडर का मतलब होता है पतला, सिलेंडर की हिंदी होती है पतला, पतला का मतलब हो गया पतला। कटिंग टूल कौन होता है, ड्रिलिंग टूल, बेसिकली पतला टूल माना जाता है लाइक दिस, क्योंकि ये कॉलम की शेप का होता है, इसीलिए सिलेंडरनेस रेशियो होता है बेटा। सिलेंडरनेस रेशियो पढ़ाई भी था मैंने ना स्पेशल क्लासेज में, नहीं पढ़ी आपने वो स्पेशल क्लास तो एक बार देख लेना। तो जब भी ड्रिलिंग की बात होगी अपने आप ही बेटा क्या आ जाएगा, प्रोवाइड गाइडिंग। ठीक है, देयर आर एंड कैन बी सेवरल मेथड ऑफ लोकेशन सपोर्टिंग एंड क्लैंपिंग डिपेंडिंग ऑन द साइज शेप मटेरियल ऑफ द जॉब कटिंग टूल एंड द मशीन वर्क रिक्वायर्ड, बट सम बेसिक प्रिंसिपल रूल्स आर यूजली फॉलोड बाय डिजाइनिंग द लोकेटिंग सपोर्टिंग एंड क्लैंपिंग द ब्लैंक एंड द फिक्चर, ब्लैंक इन द फिक्चर। कुल मिला के आप समझिए क्या लिखा हुआ है ये दोस्तों। अब हमें क्या करना है, हमें अपने वर्क पीस को फिक्सर के अंदर फिक्स करना है, जिसके अंदर हम तीन काम करेंगे बेसिकली, लोकेटिंग करेंगे, सपोर्टिंग करेंगे और क्लैंपिंग करेंगे। ठीक है, लोकेटिंग सपोर्टिंग जनरली एक साथ चलती है, क्लैंपिंग हमें थर्ड प्रोसेस होता है, क्लैंपिंग मतलब होता है वर्क पीस को फिक्स करना। अब दोस्तों लोकेटिंग का मतलब है उसको प्रॉपर जगह पर प्लेस करना। अब लोकेशन ही अगर आपकी सही नहीं है, जहाँ वर्क पीस लोकेट करना चाहिए वहाँ लोकेट ना करके आपने कहीं और लोकेट कर दिया, तो फिक्स क्या करोगे उसे आप। तो इसलिए पहले लोकेटिंग होना बहुत आवश्यक है। अगर लोकेशन ही गलत है, भाई हमें ड्रिलिंग करनी है सेंटर पर और आपने लोकेटिंग उसकी गलत कर दी है। लोकेटिंग का सिंपल मतलब समझिए, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, लोकेटिंग का मतलब है वर्क पीस को सही जगह पे प्लेस करना, सही ओरिएंटेशन पे प्लेस करना, सही एंगल पे प्लेस करना, अदरवाइज वर्क जब टूल उससे टकराएगा तो मशीनिंग गलत हो सकती है। इसीलिए लोकेशन करना सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आपने एक बार लोकेट अच्छे से कर दिया उसको, फिर बाकी काम बड़े आसान है।
एक बार चीजें लोकेट अच्छी से हो गई, लोकेट का मतलब अगर वर्क पीस हमारा अच्छे से प्लेस हो गया उसके बाद फिर चीजें बड़ी आसान होती हैं। फिर तो बस उन्हें सपोर्ट देना होता है, क्लैम करना होता है, क्लैम का मतलब होता है पकड़ना उसको, फिक्स करना, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों डिपेंड करती हैं कि कौन सा मटेरियल है, क्या साइज है, शेप है, उस हिसाब से हम अपने जिग्स एंड फिक्सर को बार बार चेंज करते रहेंगे, उस हिसाब से हमारी मशीनें होगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं द वेरी फर्स्ट पार्ट, दैट इज लोकेटिंग। लोकेटिंग और सपोर्टिंग बेसिकली दोनों साथ साथ चलेंगे। बेटा आप लोग ना मुझे मैसेज कर दिया करो, कल भी बच्चे का मैसेज आया था, मैंने पीडीएफ दे दिया था उसके, ठीक है, जिसको पीडीएफ हुआ करे तो मुझे मैसेज कर दिया करो, दे दिया करूँगा, परेशान मत हो, ठीक है। बाकी मैं पीडीएफ को एक काम करूँगा, मेरा फेसबुक का पेज है मैं उस पर डाल दिया करूँगा बेटा, वहाँ से आप लोग लिंक के थ्रू ले लिया करो उसको। ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों लोकेशन, लोकेट लोकेट करना। तो दोस्तों लोकेट करने के लिए हम यूज करते हैं पिंस को, यस ये पिंस होती है बेसिकली लोकेटिंग पिंस, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया यार अभी स्टार्टिंग में मैंने ये लोकेटिंग पिंस हैं, ये पिंस रखी जाती हैं, उस हिसाब से वर्क पीस को ऊपर उसके ऊपर रखा जाता है। ठीक, पूरा प्रोसीजर होता है कि भाई कहाँ हमें कौन सा प्रोसेस करना है, ड्रिलिंग करना है, टेपरिंग करना है, क्या करना है, उस हिसाब से हम लोग इन पिंस को रखते हैं और पिन के ऊपर फिर वर्क पीस को सपोर्ट करवाते हैं। ठीक, तो लोकेटिंग पिंस की बात करते हैं पहले, तो दीज आर यूज वेन द वर्क पीस आर हैविंग होल्स, जब वर्क पीस के अंदर होल होता है तो जनरली हम लोकेटिंग पिंस को यूज करते हैं, एंड आर यूज फॉर द लोकेशन पर्पस। ठीक है, जैसे कि अब ये कई तरीके की होती है, कॉनिकल पिन हो सकती है, सिलेंड्रिकल पिन हो सकती है, ये जो पिन देख रहे हो दोस्तों ये कॉनिकल पिन है, यहां आप देख रहे हो ये सिलेंड्रिकल पिन है। अब ये एक होलो वर्क पीस आपको दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, जब होल्स होता है तब इन पिन्स को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब लेट अस, ये वर्क पीस है, इस वर्क पीस को हमने ये पिन हमने लगा दी, तो इससे हमें पता चलेगा कि इस वर्क पीस को हमें स्पिन के ऊपर रखना है। लोकेशन का मतलब समझिए, लोकेशन का मतलब है कि ये वर्क पीस है और वर्क पीस को स्पिन के ऊपर जाके रख दो, तो आप इस वर्क पीस को स्पिन के ऊपर जाके रख दोगे। ठीक है, जनरली इसमें दोस्तों लाइन कॉन्टैक्ट बनता है, क्योंकि ये पूरा यहाँ पे पूरा एक लाइन कॉन्टैक्ट बन जाता है। ठीक, कॉनिकल पिन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक लाइन कॉन्टैक्ट मिलता है और ये लिखा हुआ भी हुआ है यहाँ पे, प्रोवाइड्स अ लाइन कॉन्टैक्ट। इमेजिन करो ये वर्क पीस है और ये हॉलो है, और हॉलो है तो इसकी जो पेरीमीटर होगी वो इस कॉनिकल सरफेस से टकराएगी, तो कैसा कॉन्टेंट मिलेगा, लाइन कॉन्टेंट मिलेगा, मतलब इस तरह की सर्कुलर लाइन मिलेगी लाइक दिस। ठीक, नाउ इट इज यूज फॉर द लाइट जॉब, जो लाइटर जॉब होते हैं उसके लिए यूज करना, ज्यादा हैवियर जॉब के लिए इसको यूज नहीं करते हैं। ऑल्सो कैन अकोमोडेट वर्क पीस विद द वेयरिंग होल साइज, यस वेयरिंग होल साइज के लिए आराम से यूज हो सकता है, मान लो इससे छोटा डायमीटर होगा तो वो यहाँ पे फिट हो जाएगा ऐसे करके, इससे और बड़े डायमीटर का कोई होल होगा तो वो यहाँ पे यहाँ तक जा सकता है लाइक दिस। तो ये इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये एक ही पिन कई सारे वेरिएबल डायमीटर्स के अंदर काम करेगी। ठीक है, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो कॉनिकल है। नाउ एक होती है सिलेंड्रिकल, ये बेटा यूज होती है जनरली हैवियर जॉब्स के लिए, ठीक है, हैवियर जॉब्स, और इसकी पूरी सिलेंड्रिकल सरफेस को हमें टच कराना होता है, ये वाली सरफेस, सी कैरफुली दिस सरफेस, तो यहाँ पे दोस्तों पूरी सरफेस टच होती है ये वाली, ये कर्व सरफेस होगी पाई डी, ये पूरी कर्व सरफेस से टच करती है, तो यहाँ पे सरफेस कॉन्टैक्ट बनता है बेसिकली। इसका हेड जरूर कॉनिकल दिख रहा होगा आपको, लेकिन जो टच में आता है वो ये वाला सिलेंड्रिकल सरफेस आता है, इसीलिए इनको राउंड पिन बोलते हैं। ठीक है, थीके? यहाँ पे सरफेस कॉन्टैक्ट बनता है। ठीक, दे कैन नॉट एकोमोडेट वर्क पीस विद द वेयरिंग होल साइज, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई यहाँ तो होल फिक्स है ना, ये वाला डायमीटर तो फिक्स है, इसलिए अगर आपको कोई दूसरा वर्क पीस है जिसका डायमीटर इस पिन से बड़ा होगा तो आपको एक नई पिन लगानी पड़ेगी। ये पिन एक ही वर्क पीस के, ये सेवरल वर्क पीस के लिए काम में नहीं आएगी, ये किसी एक ही पर्टिकुलर डायमीटर के लिए काम में आएगी। प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म ऑल अराउंड स्लाइडिंग क्लियरेंस वेन द वर्क पीस सिट्स ऑन इट, ठीक है, जब वर्क पीस इसके ऊपर आ जाएगा तो स्लाइडिंग क्लियरेंस का मतलब यह कि ये वर्क पीस इसके ऊपर आसानी से स्लाइड कर सकता है। तो दोस्तों ये हमारी लोकेटिंग पिन होती है। अब देखिए किस तरह से इसको यूज करते हैं हम, कैसे ये लोकेट करती है वर्क पीस को। देखो दोस्तों दो डायग्राम मैंने ले रखे हैं यहाँ पे, ये हमारा वर्क पीस है, सी केयरफुली, ये रहा वर्क पीस है ये, ठीक है, ये हमारा वर्क पीस है, ये टू होल्स हैं इसके अंदर, एक होल ये रहा
ये रहा होल और एक होल ये रहा। तो हमने क्या किया, पिन लगा दी इस तरह से और वर्क पीस को उसके अंदर डाल दिया। तो यानी कि ये चली गई सर्कुलर पिन, यहाँ पे एक सर्कुलर पिन चली गई, और यहाँ पे दोस्तों एक डायमंड पिन भी होती है। वन मोर थिंग, मैंने आपको दो पिन बताई, कॉनिकल सर्कुलर, एक डायमंड पिन भी होती है। डायमंड पिन इस तरह से होती है, लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से डायमंड पिन, मतलब उसका जो हेड है वो इस तरह से उसका डायमंड का शेप होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कोई भी पिन यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दो पिन लगी हुई हैं, ये बेस है, बेस में हमको इस वर्क पीस को फिक्स करना है। तो दो होल्स हैं, दोनों होल्स में हमने पिन डाल दिए और ये वर्क पीस एक तरह से लोकेट भी हो गया और एक तरह से वहाँ पे अभी ये फिलहाल फिक्स भी हो गया है, मतलब इसको सपोर्ट मिल चुका है कुल मिला के। अब इधर आइए दोस्तों, लोकेटिंग बाय वन पीस, वन होल, एक ही होल है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर पिन डाल दिया गया, ये रहा ये पिन होगा। अब ये आगे पीछे मूव कर सकता है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक आउटर पिन लगा दिया। आउटर पिन का मतलब हो गया वो एडिशनल सपोर्ट देगा इसको, वर्क पीस के अंदर घुसा नहीं है ये, माइंड इट प्लीज, बट ये एक तरह का आउटर सपोर्ट देगा इसको। और यहाँ से क्लैंपिंग फोर्स लगा दिया, इससे क्या होगा कि ये अब हिल नहीं पाएगी, ये वाला जो पॉइंट है, लेट अस सी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट अगर मान लो ये क्लैंपिंग फोर्स मैं नहीं लगाता इन केस, तो ये नीचे की तरफ इस पॉइंट के अबाउट घूम सकता है, एक तरह का हिंज पॉइंट बन जाएगा ये। इमेजिन करो ये क्लैंपिंग फोर्स नहीं है, दिस फोर्स इज जीरो, तो व्हाट विल हैपन, इस ए पॉइंट को पकड़ो और ऐसा करके घुमा दो, इसके अबाउट इस पॉइंट के अबाउट हिंज पॉइंट बन जाएगा, एक तरह का हिंज पॉइंट बन जाएगा। इतनी तो इंजीनियरिंग आती होगी आपको। तो ये हिल डुल सकता है, इसलिए क्या किया, क्लैंपिंग फोर्स लगाया। अब क्लैंपिंग फोर्स इसको इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ नहीं आने देगा, और इधर ये पिन लगा दी, ये पिन इसको ऊपर नहीं जाने देगी, हो गया फिक्स। समझ में आया ये वाला पार्ट जो मैं बोल रहा हूँ, लोकेटिंग बाय वन वन होल। इमेजिन करो ये क्लैंपिंग फोर्स नहीं है, तो आप इस ए पॉइंट को पकड़ के इसके अबाउट घुमा सकते हो, इस पॉइंट के अबाउट, ये हिंज पॉइंट बन जाएगा, ये दिस बच द हिंज पॉइंट। तो ये एक तरह से फिक्स नहीं हो पाई अभी, यानी कि ये जो वर्क पीस है ये हिल डुल सकता है अभी। गफूर बाबू, गफ्फर बाबू, बिल्कुल भर दो बेटा, सारे फॉर्म भरिए, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। सी केयरफुली दोस्तों, प्लीज रिप्लाई, क्या ये पॉइंट समझ में आया। देखिए ये वर्क पीस है, ये रहा, दो पिन थी तो दोनों जगह फिक्स हो गया, ये खत्म, लोकेट भी हो गया, फिक्स भी हो गया, अब ये हिलेगा नहीं यहां से फिलहाल। अभी इधर आइए, इधर मैं बोल रहा हूं एक ही पिन है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, और क्लैंपिंग फोर्स है ही नहीं, क्लैंपिंग फोर्स जीरो है, कोई क्लैंपिंग फोर्स नहीं है, ये क्लैंपिंग फोर्स यहां पे नहीं है, फिक्स नहीं है, ये वाला पॉइंट फिक्स नहीं है, ये फ्री पॉइंट है, माइंडेड प्लीज, ये फ्री पॉइंट है, और कोई क्लैंपिंग फोर्स नहीं है, मतलब यहां पे कोई फोर्स नहीं है। इस एरो को यहां से रिमूव करो, मान के चलो कोई एरो नहीं है यहां पे। अब आप इस फ्री पॉइंट को पकड़ो, इस पॉइंट के अंदर, इस यहां पे तो पिन घुसी हुई है अंदर, ये रही पिन जा रही है, ये रही अंदर पिन गई हुई है, टॉप व्यू देख रहे हो आप लोग, ये टॉप व्यू देख रहे हो, टॉप व्यू। अब ये जो पिन गई हुई है तो ये हिंज पॉइंट बन गया, और मैं बोल रहा हूं कि ये फ्री एंड है। अब आप इसको पकड़ के घुमा सकते हो कि नहीं, बिल्कुल घुमा सकते हो, इस फ्री पॉइंट को पकड़ो यहां से और ऐसे करके इस हिंज पॉइंट के बाद मूवमेंट लगा दो, घूम जाएगा ये हिंज पॉइंट के बाद, यानी कि ये फ्री पॉइंट है, घूम सकता है। अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे इस फ्री पॉइंट को ऐसा बनाना है कि यहां से हिल ना पाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं दो काम करूंगा, क्या दो काम करूंगा, मैं दो काम करूंगा, मैं एक तो यहां पे पिन लगा दूंगा, ये रही, ये जो पिन आप देख रहे हो ये आउटर पिन है, ये पिन है, ये पिन यहां पे जो पिन लगी हुई है ये अंदर घुसी हुई नहीं है, ये पिन इसके इससे जस्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगी और ये टच करेगी इससे जस्ट, और इधर से क्लैंपिंग फोर्स लगा दिया, मतलब इसको पकड़ लिया एक तरह से। अब आप दोबारा मूवमेंट लगाइए, जब आप इधर मूवमेंट लगाएंगे क्लॉकवाइज तो ये क्लैंपिंग फोर्स को नीचे आने देगा, नहीं घूमने देगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाएंगे तो ये पिन अब इधर नहीं घूमने देगी, आ रही बात समझ में, तो एक तरह से क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो समझ में आ रहा है कि ये पिन्स का क्या महत्व है, ये पिन्स बॉडी को सपोर्ट करते हैं और लोकेट भी करते हैं, लोकेट का मतलब कहाँ इनको फिक्स होना है, ठीक। जैसे ही क्लैंपिंग फोर्स लगाया, अब आप इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट दीजिए, ये इस हिंज पॉइंट का अब नहीं घूम पाएगा क्योंकि यहाँ पर क्लैंपिंग फोर्स है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दीजिए फ्री पॉइंट को, ये आउटर वाली पिन अब इसको नहीं घूमने देगी। तो इस तरह से हमने पिन की हेल्प से उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट कर लिया है, ठीक है भाई। नीचे कहां से घूम जाएगा, क्लैंपिंग फोर्स लगा दिया ना बेटा, मैं बोल रहा हूँ क्लैंपिंग फोर्स अलग से लगा दिया, फोर्स जब क्लैंपिंग फोर्स नहीं है तब घूम जाएगा, मैं बोल रहा हूँ क्लैंपिंग फोर्स जीरो है तब नीचे घूम जाएगा, बिल्कुल घूम जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ क्लैंपिंग फोर्स लगा दिया,
सुजीत भाई सब कुछ होगा बेटा, आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले फिक्स, पहले सपोर्ट उनको लोकेट करना सीख लो। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पढ़ाऊंगा, पेशेंस रखो जरा अभी, ठीक है। तो यहां पे ये जो इस हिंज पॉइंट के अबाउट घूम सकता था वो मैंने अरेस्ट कर दिया, अब ये इस हिंज पॉइंट के अबाउट नहीं घूम पाएगा, नीदर इन क्लॉकवाइज नॉर इन एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी डायरेक्शन में नहीं घूम पाएगा अभी। एक एक करके है ना, तो हमने इसके रोटेशन को यहां पर रोक दिया, और इसमें तो बिल्कुल ही नहीं घूम पाएगा क्योंकि दोनों जगह पिन लगा हुआ है। इस वाले डायग्राम को देखें तो ये टॉप व्यू और ये फ्रंट व्यू है एक तरह से, और यू कहते साइड व्यू है ये। तो यहां पर ये पिन लगी हुई है, ये रही ये पिन, और एक पिन ये लगी हुई है। इस केस में तो बिल्कुल ही नहीं जा पाएगा ये। अब मान लीजिए आपके पास पिन्स नहीं है तो हम वी ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं, वी ब्लॉक। तो देखिए इसी चीज को आप इमेजिन करो, ये पिन लगी हुई है तो अंदर, मान लो वी ब्लॉक नहीं है, इमेजिन करो वी ब्लॉक नहीं है, तो ये फ्री एंड हो गया, और फ्री एंड पे आप क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाएंगे तो क्या होगा, ये इस हिंज पॉइंट के बाद घूम सकता है। वेरी सिंपल। अब मैंने क्या किया, एक वी ब्लॉक रख दिया, वी ब्लॉक, ठीक है। समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड वी ब्लॉक, ऐसे भी कोई कोई बोलता है इसको वी ब्लॉक, एक ही बात है। तो जैसे ही मैंने वी ब्लॉक रखा, अब क्या ये उधर जा पाएगा, इमेजिन करो आपने अगर इस पॉइंट को पकड़ के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाया, तो ये वी ब्लॉक इसको घूमने देगा, नहीं घूमने देगा। क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाया, घूमने देगा, नहीं घूमने देगा। यानी कि हमने अगेन डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट कर लिया। वी ब्लॉक से क्या हुआ, ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन पॉसिबल हो रहा था वो हमने अरेस्ट कर लिया। तो कुल मिला के इन सब तरीके से, वी ब्लॉक की हेल्प से, पिंस की हेल्प से, यस आगे क्लैंप पढ़ाऊंगा मैं, उन सब की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अपने वर्क पीस को होल्ड करते हैं, क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। और ये सब मिलके क्या कहलाते हैं, फिक्सर्स कहलाते हैं या जिग्स कहलाते हैं। जब यही फिक्सर टूल को भी गाइड करने लगे हैं तो वो जिग्स बन जाते हैं, और जिग जनरली यूज होता है बेटा ड्रिलिंग के टाइम पे, ठीक है। कुल मिला के आप एक कॉमन सेंस दिमाग में रखना है आपको, कि हमें वर्क पीस को होल्ड करना है, वर्क पीस को रोकना है, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल समझ में आएगा, वी ब्लॉक वाला, प्लीज रिप्लाई एवरीवन। वर्क पीस को हमें पकड़ना है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को हमें अरेस्ट करना है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके अंदर होगी तो टूल फोर्स लगाएगा तो वो बेटा भग जाएगा, वहां से हिल जाएगा। तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट करना है। धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूं कैसे कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम अरेस्ट करेंगे, एक एक करके चलो आगे, ठीक है। तो ये वी ब्लॉक हो गया। अब दोस्तों वी ब्लॉक बेसिकली यूज होता है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी ब्लॉक यूज होता है राउंड शेप्स के लिए, ठीक है, राउंड वर्क पीसेस के लिए, माइंड इट प्लीज, इनके अंदर राउंड राउंड शेप होता है। तो याद रखेंगे वी ब्लॉक सर्कुलर पीसेस, सर्कुलर वर्क पीसेस के लिए, राउंड वर्क पीसेस के लिए यूज होता है ना। राउंड वर्क पीस और द सर्कुलर वर्क पीस, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, प्लीज। वी ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, राउंड वर्क पीस और यूपेन से सर्कुलर वर्क पीस के लिए यूज होता है ये, सर्कुलर वर्क पीस ना। तो ये तो हो गया सर्कुलर वर्क पीस। अब आते हैं वी ब्लॉक पे। मैं फिर पूछ रहा हूं बेटा, किस तरह से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को रोक रहे हैं, समझ में आ रहा है। अगर वी ब्लॉक नहीं होगा तो ये इस पिन के अबाउट घूम जाएगा, तो हमने वी ब्लॉक लगा दिया और इसका पिन के अबाउट घूमना बंद हो गया। इस तरह से हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट कर लिया। तो किस डायरेक्शन में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम अरेस्ट करनी है, वो डिपेंड करेगा मशीनिंग प्रोसेस के ऊपर। फिलहाल मैं इतना समझा रहा हूँ कि हम पिन की हेल्प से या हम वी ब्लॉक की हेल्प से कैसे हम वर्क पीस को होल्ड कर रहे हैं, रोक रहे हैं ना। अब वी ब्लॉक के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सुन लो ध्यान से, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। फॉर अ सिलेंडर सिलेंड्रिकल वर्क पीस और द फॉर द सिलेंडर, हाउ मैनी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन बी अरेस्टेड। कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज कर हम अरेस्ट कर सकते हैं फॉर अ सिलेंडर, हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन बी अरेस्टेड व्हेन वी आर यूजिंग वी ब्लॉक। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, व्हेन वी आर यूजिंग वी ब्लॉक।
नाउ सी माय डियर फ्रेंड, वी ब्लॉक अगर आपके पास है तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, सामने देखेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती हैं। तो लेट अस डू, हम एक सॉलिड सिलेंडर मान लेते हैं, ये रहा दोस्तों, इस सॉलिड सिलेंडर के अंदर कितने एक्सिस होते हैं एक बार देखते हैं हम लोग। एक तो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो जाएगा, ये रहा, लेट अस ज़ूम एक्स एक्स, इसके सेंटर ऑफ मास से। एक दूसरा हम लोग एक्सिस ज़ूम करते हैं जो जस्ट एक्स एक्स के परपेंडिकुलर है और सेम प्लेन में है, दिस इज कॉल्ड वाई वाई। और एक तीसरा एक्सिस ज़ूम करते हैं जो इन दोनों एक्स और वाई के परपेंडिकुलर है, दैट इज द जेड जेड। जेड जेड देख पा रहे हैं दोस्तों आप लोग। तो हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा, जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते उनको सीखने दें एक बार। दोस्तों वी हैव टू टाइप्स ऑफ मोशन, रोटेशन मोशन, यस रोटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। अब एक्स के अबाउट कितने ट्रांसलेटरी मोशन हो सकते हैं, सी केयरफुली, टू एंड फ्रो। या तो ये एक्स के अबाउट ट्रांसलेटरी मोशन की मैं बात कर रहा हूं, सी केयरफुली, एक्स के अबाउट ये इधर जा सकता है और एक्स के अबाउट ये पीछे जा सकता है, तो कितने हो गए टोटल, दो, यानी टू एंड फ्रो मोशन हो गए दो। एक्स के अबाउट आगे चला जाएगा, एक्स के अबाउट पीछे चला जाएगा। सिमिलरली वाई के अबाउट ट्रांसलेटरी मोशन कितने हो सकते हैं, या तो ये वाई के अबाउट इधर चला जाएगा या फिर ये वाई के अबाउट इधर चला जाएगा, दो मोशन हो सकते हैं सेम। तो वाई के अबाउट ट्रांसलेटरी मोशन कितने हो गए, दो। जेड के अबाउट ट्रांसलेटरी मोशन कितने हो सकते हैं, दो, या तो ये ऊपर जाएगा या फिर ये नीचे जाएगा, तो ये जेड के अबाउट दो ट्रांसलेटरी मोशन हो गए। ये ट्रांसलेटरी मोशन की मैंने अभी बात करी। अब बात करते हैं दोस्तों हम सी केयरफुली, अब एक्स के अबाउट ये कितने तरह से रोटेट कर सकता है, या तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा एक्स के अबाउट, अब रोटेशन की बात कर रहा हूँ रोटेशन की, या फिर ये एक्स के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, तो दो हो गए ये। अब रोटेशन की बात कर रहा हूँ, दो हो गए रोटेशन मोशन। वाई के अबाउट, और ये वाई के अबाउट दोस्तों, वाई के अबाउट ये क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है या फिर वाई के अबाउट ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, तो दो रोटेटरी मोशन ये हो गए, रोटरी मोशन ये हो गए। सिमिलरली जेड के अबाउट ये क्लॉकवाइज घूम सकता है और सिमिलरली जेड के अबाउट ये एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, तो दो हो गए ये। टोटल कितने हो गए दोस्तों, टोटल मोशन हो गए हमारे पास 12, जिसमें ट्रांसलेटरी है 6, 6 ट्रांसलेटरी मोशन है और रोटरी कितने हैं, 6 रोटरी हैं, आगे पीछे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से 6 डिग्री, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी। अभी मान लीजिए ये स्पेस में रखा हुआ है, यानी कि एक सिलेंडर स्पेस में रखा हुआ है, तो एक स्पेस के अंदर ये 12 जगह जा सकता है, यानी इसकी अभी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है 12, अभी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 है। हाँ बेटा, बेटा वो एक्स वहां भी 12, वहां भी बेटा अजय मिश्रा एक्चुअली होती 12 ही है, सी एक्चुअली 12 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, बट हम एक एक डायरेक्शन अज्यूम करते हैं अजय मिश्रा, अजय मिश्रा होती 12 ही है, बट एक डायरेक्शन हम लोग कंसीडर करते हैं। जैसे मैं यहाँ टू एंड फ्रो बोल रहा हूँ, ठीक, वो हम एक्स डायरेक्शन के, वो एक्स में मतलब एक ही वहां पे बस पॉजिटिव नेगेटिव होता, ध्यान रखेंगे। अजय मिश्रा रोबोटिक्स की बात जो कर रहे हो ना, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन वहां पे एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव ऐसे बोल देते हैं, आगे समझ में, यानी पॉजिटिव मतलब एक तरफ जा रहा है, नेगेटिव मतलब पीछे जा रहा है, इतना अंतर है अजय मिश्रा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वहां भी 12 ही है, बट वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन हम यूज कर लेते हैं, यहाँ पे मैं पॉजिटिव नेगेटिव यूज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग में उसको 12 बोल रहे हैं। और रोबोटिक्स की बात करेंगे तो वहां भी 12 ही है, बट पॉजिटिव नेगेटिव साइन हो जाता है, मतलब मान लो मेरे इधर को बोल दिया पॉजिटिव, तो पीछे वाले को बोल दूंगा एक्स नेगेटिव, इसलिए वहां पे बेटा प्रॉपर साइन चलते हैं, प्लस माइनस। अजय मिश्रा आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। चलो तो दोस्तों ये था, एक सिलेंडर जब स्पेस में होता है तो उसमें कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है, उसमें 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है। अब इस सिलेंडर को आपको वी ब्लॉक में रख देना है, किसमें रख देना है, वी ब्लॉक में, ठीक है, वी ब्लॉक में।
दोस्तों ये डायग्राम आप लोग ने बना लिया होगा, नहीं बनाया तो वीडियो में से बाद में बना लेना, मैं इसको डाला डिलीट कर रहा हूँ। अब इस सिलेंडर को आपको वी ब्लॉक में रखना, और ये रहा आपका वी ब्लॉक। ये रहा मान लीजिए वी ब्लॉक, दोस्तों ये आपका वी ब्लॉक है, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर आप सिलेंडर को प्लेस करो। सपोज ये आपका सिलेंडर है, इसके अंदर ये गया आपका सिलेंडर, इमेजिन करो दोस्तों ये कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम अरेस्ट हो जाएंगी, ये कहाँ कहाँ मोशन कर पाएगा, कहाँ कहाँ नहीं कर पाएगा, इमेजिन कर लो। या तो आप ये निकाल लो कहाँ कहाँ मोशन कर पा रहा है, जितनी जगह मोशन कर पा रहा है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में से उसको माइनस कर दो, बाकी की अरेस्ट हो जाएंगी। तो ये एक सॉलिड सिलेंडर दोस्तों इसके अंदर रखा हुआ है, इमेजिन करो ये कहाँ कहाँ घूम सकता है, कैसे कैसे ये मोशन कर सकता है। ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो जाएगा, अभी जो पढ़ा हमने, एक्स एक्स, ठीक है, ये इधर वाई वाई, और ऊपर की तरफ जेड जेड। तो देखो दोस्तों मैं बताता हूं उसमें कैसे हमें समझना है, कहां कहां मोशन कर सकता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक्स में टू एंड फ्रो कर पाएगा, चेक करो, यस और नो का रिप्लाई चाहिए मुझे आप सभी लोगों से। ये एक्स है, एक्स के अबाउट इधर और उधर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, चेक करो इसको, आप इमेजिन करो आप फोर्स लगा रहे हो, जा सकता है, यानी कि जो फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी कितनी है, मतलब दो तो इधर जा सकता है ये, यानी दो अभी अवेलेबल है हमारे पास, दो एक्स में अवेलेबल है, एक्स में दोनों ट्रांसलेटरी मोशन ये कर सकता है, ठीक है। वाई में इधर उधर जा सकता है, नहीं जा सकता। अच्छा एक्स के अबाउट पहले एक एक करके करते हैं, एक्स को निपटाते हैं पहले, एक्स के अबाउट ये दो ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है, ठीक है। एक्स के अबाउट चेक करो, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस अबाउट ये क्लॉकवाइज घूम जाएगा, बिल्कुल घूम जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, बिल्कुल घूम जाएगा, यानी एक्स के अबाउट ये दोनों मोशन कर पा रहा है, यानी कि चार, ठीक है, यानी चार काम ये कर पा रहा है एक्स के अबाउट, यानी चार को हम नहीं रोक पा रहे हैं। अब आइए वाई के अबाउट, वाई के अबाउट ये इधर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, नो। वाई के अबाउट इधर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, नो। वाई के अबाउट ये क्लॉकवाइज घूम पाएगा, नहीं घूम पाएगा, क्योंकि आप ऐसे इमेजिन करिए इसको घुमाना है तो ये नहीं घूम पाएगा, क्योंकि नीचे वाली सरफेस जो है वी ब्लॉक की नहीं घूमने देगी। क्या एंटी क्लॉकवाइज घूम पाएगा, नहीं घूम पाएगा, यानी दोनों जगह ये नहीं नहीं घूम पा रहा, यानी वाई में कोई मोशन नहीं है, वाई में नो मोशन एट ऑल, कोई मोशन नहीं है वाई के अंदर। जेड की बात करिए, जेड के अबाउट ये नीचे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, जेड के अबाउट ऊपर जा पाएगा, यस जा पाएगा। तो जेड के अबाउट ये एक ट्रांसलेटरी मोशन कर पा रहा है दोस्तों, वन ट्रांसलेटरी मोशन कर पा रहा है। इसके अबाउट ये जेड के अबाउट क्लॉकवाइज घूम पाएगा, ऐसे घुमा के देखो, जेड के अबाउट पेन पकड़ लो हाथ में लाइक दिस, नहीं घूम पाएगा। जेड के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम पाएगा, नहीं घूम पाएगा, यानी कि दो इसके ट्रांसलेटरी मोशन भी नहीं हो रहे हैं, खत्म नहीं हो पा रहे, यानी कुल मिला के एक्स के चारों मोशन कर पा रहा है ये, और जेड में केवल एक ट्रांसलेटरी मोशन कर पा रहा है, अपवर्ड मोशन। ऐसा ऐसा इसका मतलब ये चार मोशन कर पा रहा है, तो 12 में से चार कर पा रहा है। तो दोस्तों डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 12 में से कितने कर पा रहा है, चार, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई फोर, पांच, सॉरी पांच कर पा रहा है, चार इधर और एक इधर, पांच। और कितनी अरेस्ट कर ली इसने, डिग्री ऑफ फ्रीडम विच आर अरेस्टेड, अरेस्टेड डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, सेवन, 60 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसने अरेस्ट कर ली, क्योंकि 12 में से 5 को माइनस करो, 7, यानी 7 जगह ये मोशन नहीं कर पा रहा है।
ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, कहा क्वेश्चन था कि एक वी ब्लॉक को जब हम वी ब्लॉक के अंदर सिलेंडर रखते हैं तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट कर पाते हैं हम लोग? 7 को अरेस्ट कर पाते हैं, 5 रह जाती हैं। तो वी ब्लॉक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वी ब्लॉक से हम 7 को अरेस्ट कर पाते हैं। क्वेश्चन दो तरह से बन सकता है, या तो पूछेगा कि कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम अरेस्ट करते हैं तो 7 है, या ये पूछ सकता है कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है तो 5 आंसर है। दोनों आंसर को प्लीज साइड में लिख लो। अगर पूछे कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है तो 5 आंसर है, पूछे अरेस्ट कितनी हो रही है साहब तो आंसर है 7। वीडियो क्लियर चल रहा है ना? रुक तो नहीं रहा बेटा कहीं पे भी? जहां भी रुके मुझे बता दीजिएगा। ना दोस्तों, ठीक जिस तरह से लोकेटिंग पिन होती हैं उस तरह सपोर्टिंग पिन भी होती हैं। ठीक है, कई मैंने क्या बोला, लोकेटिंग पिन सपोर्टिंग के साथ भी चल सकती हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताता आ रहा हूँ आपको शुरू से ही कि जनरली ये दो काम लोकेटिंग और सपोर्टिंग एक साथ होते हैं ना, बताया था ना मैंने। अगर कोई चीज़ लोकेट हो रही है तो सपोर्ट भी कई बार वो कर जाती है पिन, है ना, अगर उसके अंदर वर्क पीस के अंदर होल है। कई बार वर्क पीस के अंदर होल नहीं होता तो उस टाइम पे दोस्तों उसको हम सपोर्टिंग पिन बोल देते हैं। ठीक, दीज आर यूज वेन द वर्क पीस आर नॉट हैविंग होल्स इन दैम। वर्क पीस के अंदर होल्ड नहीं, वर्क पीस के अंदर अगर होल्ड नहीं होता तो फिर ये केवल सपोर्ट करने के काम में आती है, कि इस तरह से वर्क पीस को सपोर्ट कर लेती है। लेट अस ज्यूम कि हमारे दोनों वर्क पीस हैं तो इस तरह से सपोर्ट करने के लिए काम में आती है दोस्तों। नाउ अब एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है 3-2-1 प्रिंसिपल। 3-2-1 प्रिंसिपल, 3-2-1 प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन। दोस्तों बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार इंटरव्यू वगैरह में पूछते हैं, कॉलेज के अंदर बहुत पूछते हैं भाई 3-2-1 प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि आप लोग कॉलेज के अंदर वर्कशॉप स्टडी करते हो। ठीक है, तो 3-2-1 प्रिंसिपल काफी पूछा जाता है। तो 3-2-1 प्रिंसिपल क्या है? देखिए दोस्तों, अभी हमने सिलेंडर की डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट किया विद द हेल्प ऑफ वी ब्लॉक। उसी तरह से 3-2-1 प्रिंसिपल के तहत दोस्तों हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट करते हैं। ठीक, इसमें हम लोग लोकेटिंग पिन यूज करते हैं और ये पिन की सीक्वेंस है 3-2-1। टोटल कितनी हो गई? 3 और 2 5 और 1 6। समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड 6 पिन प्रिंसिपल। 6 पिन प्रिंसिपल, कई बार इसको हम 6 पिन प्रिंसिपल भी बोलते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं? 6 पिन प्रिंसिपल, क्योंकि इसमें हम लोग 6 पिन को यूज करते हैं, लेकिन कंडीशन ये है दोस्तों कि ये 6 पिन एक साथ यूज नहीं होंगी, 3 एक जगह यूज होंगी, 2 एक जगह होंगी और 1 अकेली होगी। और इस तरह से हमें इन पिन्स को अरेंज करना है, इस तरह से हमें इन पिन्स की लोकेशन डिसाइड करनी है कि वर्क पीस की मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम अरेस्ट कर पाएं, वर्क पीस की मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग अरेस्ट कर पाएं। और दोस्तों जनरली जब पिन की बात चलती है तो हम लोग एक फ्लैट वर्क पीसेस की बात ज़्यादा करते हैं, क्योंकि पिन्स के ऊपर फ्लैट वर्क पीस ज़्यादा रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों किस तरह से इस पर हम काम करने जा रहे हैं, आप समझेंगे सारे लोग ध्यान से। सपोज डियर फ्रेंड, ये एक संदीप सिंह, मेरा नंबर आपको दिया हुआ है, अभी खुद आप मुझे आंसर बताएंगे कॉल करके। ठीक है मेरे दोस्त, आप खुद कॉल करेंगे कि गौरव सर मैंने एक स्फेयर को इमेजिन किया उसके अंदर और फिर मैंने देखा कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम अरेस्ट हो सकती है, खुद ही दिमाग लगा के मुझे कॉल करना। संदीप सिंह ने बोला है कि साहब सर वी ब्लॉक में अगर हम लोग स्फेयर रख दें तो क्या होगा? मैंने अभी भी आपको बताया था कि वी ब्लॉक के अंदर दोस्तों राउंड वर्क पीस हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकता है और स्फेरिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो
तो दोस्तों स्फेरिकल की अगर बात करें तो आप मान के चलो कि आपने एक वी ब्लॉक के अंदर स्फेयर रख दिया तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम अरेस्ट हो जाएंगी। कोई बात नहीं है, सब बहुत सारे लोगों का आंसर पता होगा, बाकी जिनको नहीं पता है इसको इमेजिन करेंगे और मुझे कॉल कर बैक करके बताएंगे, व्हाट्सअप करके बताएंगे सर इतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम अरेस्ट हो जाएंगी। ठीक है चलो अब फिलहाल इसको देखते हैं 3-2-1 प्रिंसिपल अगेन दोस्तों, सी केयरफुली पिछली बार की तरह। लेट अस ज़ूम, यहां से गया हमारा एक्स एक्सिस, ये गया बॉडी का एक्स एक्सिस, ठीक है इसको आपने बोल दिया एक्स एक्स। फिर इसके ठीक परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस चला जाएगा, इसके ठीक परपेंडिकुलर चला जाएगा वाई वाई एक्सिस, बिल्कुल सेम जो अभी सिलेंडर में किया था बिल्कुल वही तरीका दोस्तों। ठीक, और इधर से इसके ठीक पर, इन दोनों के ठीक परपेंडिकुलर में, क्योंकि तीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं हम लोग जानते हैं थ्री डायमेंशन में, ये चला गया जेड जेड एक्सिस। अगेन वही चीज जो अभी थोड़ी देर पहले पड़ी थी, एक्स एक्स में ये टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है, दो मोशन यहां पे, सिमिलरली एक क्लॉकवाइज मोशन पॉसिबल है और एक एंटी क्लॉकवाइज मोशन पॉसिबल है अगर ये बॉडी फ्री स्पेस में रखी हुई है। सिमिलरली वाई के अबाउट एक ट्रांसलेटरी मोशन इधर और एक ट्रांसलेटरी मोशन इधर हो सकता है, इसके अलावा एक क्लॉकवाइज मोशन और एक एंटी क्लॉकवाइज मोशन टोटल, और सिमिलरली जेड में एक ट्रांसलेटरी इधर और एक ट्रांसलेटरी नीचे, और सिमिलरली एक क्लॉकवाइज ये घूम सकता है जेड के अबाउट और एक एंटी क्लॉकवाइज ये घूम सकता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम। तो अगेन इधर अभी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 12। हेयर द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 12, यानी ये 12 डायरेक्शन में भी ये जा सकता है। अब हमें 3-2-1 प्रिंसिपल, 3-2-1 प्रिंसिपल के तहत इसकी मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट करना है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे दोस्तों, हमें पिन को इस तरह से लगाना है, तीन पिन एक तरफ होनी चाहिए, एक साइड एक एक ही मतलब प्लेन में होनी चाहिए, दो एक प्लेन में होनी चाहिए और तीसरी अगले प्लेन में होनी चाहिए, और वो तीनों प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। इस तरह से हमें इसको डिजाइन करना है। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं इसको नाम दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये पॉइंट है ई और ये पॉइंट है एफ। अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ, अभी हवा में तो लटकेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, इसको हम किसी मशीन फ्रेम में रखेंगे, है ना, मशीन के ऊपर रखेंगे, जिग्स एंड फिक्सर के ऊपर रखेंगे। तो लेट अस ज्यूम ये जो है, ये है जिग का फ्रेम, जिग्स एंड फिक्सर का फ्रेम, सी कैरफुली। सी फ्रेंड्स, लेट अस ज़ूम, मैंने एक पिन यहाँ पे लगा दिया, एक पिन ये है और ये जिग्स एंड फिक्सर का फ्रेम है बेसिकली, और यहाँ हमने उठा के रख लिया अपने वर्क पीस को, ये रहा फॉर एग्जांपल हमारा वर्क पीस। आपको समझने में आसानी रहे इसलिए मैंने उसका नामकरण कर दिया है वर्क पीस का, ABCD। सी फ्रेंड्स, तो एक पिन ये हो गई। अब अगर एक लग रही है, 1-2-3 प्रिंसिपल की बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे इस वर्क पीस को एज इट इज उठा लिएगा, टॉप व्यू हम देख रहे हैं, टॉप व्यू देख रहे हैं, यानी कि टॉप व्यू देख रहे हैं ABCD, ऊपर से देख रहे हैं इधर, माइंड इट प्लीज, इधर से देख रहे हैं नीचे की तरफ, तो हमें क्या दिखाई देगा, ABCD फेस दिखाई देगा। तो ये पॉइंट है दोस्तों ए, ये है बी,
ये है सी और ये है डी। ऊपर से देख रहे हैं, समझ लो ना, ये वाला ए बी सी डी, यानी वर्क पीस को एज इट इज उठा के चुपचाप यहाँ रख दिया गया है। अब दो पिन यहाँ पे लग गई है दोस्तों, एक पिन ये रही और एक पिन ये रही। ये फ्रेम है फिक्सर का। नीचे दोस्तों एक दो और तीन, तीन पिन्स नीचे लगी हुई हैं। अब इस पिन को पहचानने में आप दिख गलती कर सकते हो, इसलिए मैंने इनका नामकरण कर देता हूँ। ये है पिन नंबर वन, ये पिन नंबर टू, ये है पिन नंबर थ्री और नीचे है फोर फाइव एंड सिक्स। ये एक्चुअली हम लोग टॉप व्यू देख रहे हैं, हम साइड व्यू अगर देखें, साइड व्यू का मतलब हो गया ये सी कैरफुली, साइड व्यू का मतलब हो गया अभी हमने ऊपर से व्यू देखा ये वाला, अब हम साइड से देखेंगे यहाँ से ये वाला व्यू दिस वन, अब हम साइड से व्यू देख रहे हैं ये वाला। तो मुझे डी सी ई एफ, डी सी ई एफ वाला फेस दिखाई देगा, ठीक है, डी सी एफ वाला फेस दिखाई देगा। तो दोस्तों साइड व्यू बना रहा हूँ, नीचे सबकी निगाह सामने रहेगी। जैसे ही मैं साइड भी बनाऊंगा, सबसे पहले मुझे क्या दिखाई देगा, पहले वर्क पीस बना लेते हैं। सबसे पहले मुझे वर्क पीस दिखाई देगा, वर्क पीस दे रहा दोस्तों, ठीक है। ये होगा सी पॉइंट, ये होगा डी पॉइंट, ये होगा ई पॉइंट और ये होगा एफ पॉइंट। होगा कि नहीं होगा चेक करो, डी सी ई एफ, क्योंकि यहां से देख रहे हैं हम लोग, तो साइड व्यू में ये दिखाई देगा डी सी ई एफ। अब दोस्तों ये चार वाली जो पिन है वो ये रही, ये फोर नंबर वाली जो पिन है वो हमें बिल्कुल एग्जैक्टली इस जगह पे दिखाई देगी, छठवीं वाली पिन हमें यहाँ दिखाई देगी और पांचवीं वाली पिन हमें यहाँ दिखाई देगी, यानी वर्क पीस के नीचे हैं पिन। अब ये तीन पिन दोस्तों मैंने यहाँ बना दी, ये रही पिन नंबर चार, पिन नंबर पाँच, छः सॉरी, पिन नंबर सिक्स एंड हेयर पिन नंबर फाइव। और ये जो तीन और दो है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगी इस जगह पे, इसमें हमें कौन सी दिखाई देगी, तीसरी दिखाई देगी, दूसरी इसके पीछे छुपी हुई है। और इधर ये एक नंबर वाली पिन अब हमें यहाँ पे ऐसे गोले में दिखाई देगी, जिस तरह से ये गोले में दिख रही थी। कितने लोगों को ये डायग्राम समझ में आ गया है, पहले ये डायग्राम समझा दो मुझे। और पहली वाली पिन ये रही, और ये कौन सी पिन है नीचे, नीचे पिन है ये वाली फोर और ये पिन है सिक्स और ये पिन है फाइव। इस तरह से दोस्तों हमने अपने वर्क पीस को एक फिक्सर के फ्रेम में सेट कर दिया है, लोकेटिंग पिंस लगी हुई हैं, लोकेटिंग पिंस के ऊपर हमने उस वर्क पीस को रख दिया है। तो इससे पहले हमने वी ब्लॉक के थ्रू डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट किया था, अब हम पिंस के थ्रू डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट कर रहे हैं कि कितनी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम अरेस्ट कर पाएंगे। ललित कुमार बेटा अगर समझोगे तब समझ में आएगा ना, मैंने कहा टॉप व्यू देखो, ये रहा टॉप व्यू। अभी ये जो बॉडी आप देख रहे हो दोस्त, ये जो पूरा 3D स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये जो वर्क पीस आप देख रहे हो, ये वर्क पीस फ्री स्पेस में है, जिसके एक्स वाई और जेड तीन एक्सेस हैं, ठीक है, ये अभी फ्री स्पेस में है। मैं इसको एक मशीन टूल में रखने जा रहा हूँ। मशीन टूल में रखने के लिए पहले मुझे इसको फिक्स करना पड़ेगा, उसके लिए फिक्सर की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने इस वर्क पीस को उठाया और एज इट इज टॉप व्यू को ध्यान में रखिए, टॉप व्यू ये रहा। टॉप व्यू में क्या दिखाई देगा मुझे, टॉप व्यू में ए बी सी और डी। तो दोस्तों ये रहा टॉप व्यू, ए बी सी और डी। और सबसे बड़ी चीज, एक और चीज मैं इसमें आपको समझा दूं अच्छे से, ये हो जाएगा एक्स एक्स एक्सिस, चेक करिए, ये रहा एक्स एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्स एक्सिस ही तो है ये वाला, तो ये एक्स एक्स एक्सिस बन गया ये रहा।
एक्स एक्स एक्सिस ठीक। और कौन सा टॉप व्यू में और कौन सा एक्सिस दिखाई दे रहा है हमें? ये वाई वाई वाला दिखाई दे रहा है, ये ना ये वाई वाई वाला हो गया, ये बना दिया साहब, ये वाई वाई हो गया, ये रहा। ठीक है बच्चे। हाँ, टू टू सेकंड फिगर इज द साइड व्यू। यस साइड व्यू है बेटा वो, ये टॉप व्यू, अब ये साइड व्यू बना रहा हूं, तो ये टॉप व्यू बन गया। ये अब साइड व्यू देखेंगे तो क्या दिखाई देगा साइड व्यू हमें? ये डी सी ई एफ, यही वाला फेस तो दिखाई देगा साइड व्यू में। तो ये रहा साहब साइड व्यू, डी सी ई एफ, ये साइड व्यू हो गया। अब जो टॉप व्यू में पिन हमें दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने यहां पे डॉट 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 कर रखा है। ये रहा चौथे नंबर की पिन, फिफ्थ नंबर की पिन और छठवें नंबर की पिन हमें नहीं दिख रही है, लेकिन अब वो साइड व्यू में दिखने लगी हमें, क्योंकि अब हम साइड व्यू देख रहे हैं। तो चौथे नंबर की पिन ये रही, एग्जैक्टली ये रही, इसी पोजीशन पर चौथे नंबर की पिन है ये रही, सेम उसी पोजीशन पर फिफ्थ नंबर की पिन ये रही, और सिक्स पोजीशन पर फिक्स पिन ये रही। अब साइड व्यू बेटा, जब हम यहाँ से साइड व्यू देखेंगे तो तीसरे नंबर की पिन दिखेगी कि नहीं दिखेगी? ये रही, लेकिन हमें इसके पीछे जो दूसरे नंबर की पिन है वो साइड व्यू से नहीं दिखाई देगी। सिंपल सा लॉजिक है। अब क्लियर हुआ? पहले बताओ जल्दी से। अब साइड व्यू में दोस्तों हमें कौन कौन से एक्सिस दिखाई देंगे? साइड व्यू जब हम देखेंगे तो हमें एक्स एक्स एक्सिस दिखाई देगा और वाई एक्सिस दिखाई देगा। तो यहां पे दोस्तों ये जा रहा है एक्स एक्स एक्सिस, ये रहा, और इधर से कौन सा एक्सिस जाएगा? दिस इज द वाई, सॉरी जेड 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 एक्सिस। अगर ये डायग्राम समझ में नहीं आएगा, आगे की कोई कहानी समझ में नहीं आएगी। जेड जेड एक्सिस, संदीप सिंह, क्लियर हो गया? तो टॉप व्यू और साइड व्यू देखना मेरे बच्चे, बस टॉप व्यू देख लो। तो अब टोटल कितनी पिन हो गई दोस्तों, चेक करो। एक पिन फर्स्ट नंबर वाली पिन बिल्कुल अकेली है, हमें इस तरह से पिन लगानी है कि एक पिन एक एक्सिस में हो, दो पिन एक एक्सिस में हो, तीन पिन एक साथ हो, या मैं बोलूँ एक प्लेन में हो। तो ये अकेली है, ये दो एक साथ है और तीन एक साथ है। इस तरह से हमें पिन को अरेंज करना होता है। अब हम देखते हैं कि कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने अरेस्ट कर ली ना। तो दोस्तों एक एक करके समझते हैं। एक्स एक्सिस के अबाउट देखते हैं। एक्स एक्सिस के अबाउट दो मोशन पॉसिबल है, एक मोशन ये पॉसिबल है और एक मोशन ये पॉसिबल है। अब देखते हैं कि कौन सा मोशन हमने रोक लिया। क्या ये एक्स एक्सिस में इधर जा पाएगी? ट्रांसलेटरी मोशन हो पाएगा? नहीं, यानी ये हो गया, नहीं नहीं हो पाएगा, कैंसिल कर दिया। क्या एक्स एक्सिस में इधर वाला मोशन हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, पहले सारे ट्रांसलेटरी मोशन की बात कर लेते हैं। अब आइए इस वाले एक्सिस में, ये वाई वाई एक्सिस था, ये वाला वाई वाई है। वाई वाई एक्सिस में इधर मोशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वाई एक्सिस में इधर मोशन हो पाएगा? हो पाएगा। तो ये वाला नहीं हो पाएगा, ये वाला हो पाएगा। अब आओ जेड में, जेड में ये डाउनवर्ड जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। जेड में अपवर्ड जा पाएगी? बिल्कुल जा पाएगी, यानी ये वाला पार्ट हो जाएगा। यानी कुल मिला के तीनों ही एक्सिस में एक एक ट्रांसलेटरी मोशन को हमने अरेस्ट कर लिया, और एक एक ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल है। दिख रहा है साहब साहब? यानी कि एक्स में एक ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल है, वाई में एक ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल है, और जेड में एक अपवर्ड ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल है। अब आते हैं रोटेशन। जेड एक्स के अबाउट इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, तो ये पांच और चार नंबर का पिन इसे नहीं घूमने देगा क्लॉकवाइज। पांच और चार नंबर का पिन इसे क्लॉकवाइज नहीं घूमने देगा। एक्स के अबाउट इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, छह नंबर का पिन एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमने देगा। दिख रहा है साहब साहब? ऐसे इमेजिन करो दोस्तों, एक इस तरह से कुछ भी आप अपने हाथ में पकड़ लो, एक रेक्टेंगुलर प्लेट पकड़ लो, या अपनी कॉपी को समझ लो, अपनी कॉपी आपकी रेक्टेंगुलर कॉपी है, इस तरह से उसको रोटेट करके देखो एक्स एक्स के अबाउट। मेरे हाथ में एक कैलकुलेटर लगा हुआ है, चेक करो इस तरह से रोटेट कर पाएगा? नीचे पांच और छह पिन लगे हुए हैं, पांच और छह इधर नहीं घूमने देंगे क्लॉकवाइज, तो सॉरी चार और पांच, और इधर छठवां पिन एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमने देगा। यानी कि दोनों ही डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर पॉसिबल नहीं है, ये दोनों अरेस्ट हो गई, नहीं हो पा रही साहब। अब ये है वाई वाई एक्सिस, वाई एक्सिस दे रहा, वाई एक्सिस के अबाउट दोस्तों, वाई एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट इसे क्लॉकवाइज घुमाना है ना। वाई एक्सिस और जब इसे क्लॉकवाइज घुमाना चाहेंगे तो पांच नंबर की पिन नहीं घूमने देगी। ठीक है,
वाई एक्सिस के बाद उठी एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, 4 नंबर की पिन नहीं घूमने देगी, यानी कि वाई एक्सिस में भी कोई ट्रांसलेटरी कोई रोटेटरी मोशन नहीं हो पा रहा। अब जे यहां से इस पॉइंट से ऊपर वर्टिकली इमेजिन करो तो कौन निकल के जा रहा है, जेड एक्सिस जा रहा है, ये रहा दोस्तों। यहां पे इस पॉइंट को जेड एक्सिस के ऊपर घुमाइए जरा, जैसे आप जेड एक्सिस के ऊपर घुमाने का प्रयास करेंगे, जेड एक्सिस ये पॉइंट है ना, यहां से निकल के जा रहा है, जेड एक्सिस के ऊपर घुमाइए तो 2 और 3 नंबर की पिन ना तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घूमने देंगी, ना ही एंटी क्लॉकवाइज घूमने देंगी जेड एक्सिस के अबाउट। तो 3 और 2 नंबर की जो पिन है वो जेड एक्सिस के अबाउट जो रोटरी मोशन होगा दोनों ही डायरेक्शन का उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, या मैं बोलूँ रजिस्ट कर देगी। कुल मिला के इन 6 पिन की हेल्प से हमने सारे रोटरी मोशन को रोक दिया है, केवल 3 ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल हैं, एक्स में, वाई में और जेड में। यानी कुल मिला के जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है 3, और अरेस्टेड कितनी हो गई दोस्तों, अरेस्टेड हो गई 12 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 9। 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम आर अरेस्टेड। समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया तो मुझे बताइए। दिस इज कॉल्ड द 3-2-1 प्रिंसिपल। आप अगर इन तीनों पिन के प्लेन्स को देखोगे तो ये तीनों पिन्स म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन में रखी हुई है, एक्स वाई और जेड में इस तरह से रखी हुई है, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो याद कर लेना दोस्तों इसको। तो जब भी हम 3-2-1 प्रिंसिपल, 3-2-1 प्रिंसिपल समझ में आया, 3 पिन एक जगह, 2 पिन एक जगह, 1 पिन एक जगह, और इस तरह से हमें इनको अरेंज करना है कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम रोक पाएं, तो यही है बेटा, इससे ज़्यादा नहीं रोक सकते। आप घर पर चेक कर लेना अपने आप। ठीक है, अरेस्टेड वन मोर टाइम। भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3, तो अरेस्टेड कैसे निकालेंगे, टोटल डिग्री पॉसिबल फ्रीडम कितनी होती है, 12, 12 में से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, अब हमने अरेस्ट कितनी कर ली भाई, जितनी हमारे पास बची वो, तो बाकी की अरेस्ट हो गई, तो 12 में से 3 को माइनस करो तो 9 बची, तो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम अरेस्ट कर ली। 9 में कौन कौन सी अरेस्ट की है, 9 में एक्स वाई और जेड के अबाउट क्या कर दिया हमने, रोटरी मोशन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, एक्स वाई जेड के अबाउट कोई रोटरी मोशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, नो रोटरी मोशन एट ऑल। अगर मैं एक छोटा सा चार्ट बना दूं फटाफट से, एक्स वाई और जेड के अबाउट, तो इस तरह से इसको समझिए, रोटरी मोशन एक्स में होगा नहीं होगा, वाई में होगा नहीं होगा, जेड में होगा नहीं होगा, तीनों में ही रोटरी मोशन हमने अरेस्ट कर दिया बेटा, नो। ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें, ट्रांसलेटरी एक्स में एक बचेगा, हो जाएगा 1 साइड, इसमें भी 1 साइड, इसमें भी 1 साइड, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ने यहाँ रेस्ट करी, 2 डिग्री फ्रीडम यहाँ रेस्ट करी, 2 डिग्री फ्रीडम ने यहाँ रेस्ट करी, और 1-1 डिग्री फ्रीडम ने यहाँ रेस्ट करी। टोटल कितनी हो गई, 6 और 3 9, यमन आफले हो गया, ऋषभ सिन्हा हो गया, अजय मिश्रा हो गया। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे टोटल 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम अरेस्ट करने हैं इसी केस में, इमेजिन करिए मैं आपसे बोलूं मुझे टोटल 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम अरेस्ट करने हैं, तो क्या करेंगे हम। अब देखिए, अब आता है फंडा क्लैंपिंग का, समझिए क्लैंपिंग क्यों रिक्वायर्ड है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि नहीं साहब, मुझे मेरा जो टूल है वो इसको एक्स एक्सिस में उठा के ले जाएगा, और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम अरेस्ट करनी है, तो दोस्तों अब आता है फंडा क्लैंपिंग का, कैसे सामने देखेंगे। अब आता है फंडा क्लैंपिंग का, क्योंकि कई बार दोस्तों हमें पूरे वर्कपीस को फिक्स करना होता है अच्छे से, क्योंकि हम देख पा रहे हैं इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी बच गई है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम बची हुई है,
तो दोस्तों कहाँ कहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम बची है चेक करो जरा। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो बची है वो बची है एक्स में, वाई में और जेड में, वो भी ट्रांसलेटरी। तो दोस्तों क्या करो, सी कैरफुली। एक्स में इधर भाग सकता था, एक्स में इधर इधर भाग सकता है, इधर क्लैंपिंग फोर्स लगा दो, खत्म। एक्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम अरेस्ट, यानी ये जो एरो है ये क्लैंपिंग फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली वाई में ये नीचे जा सकता था, इस तरफ एक क्लैंपिंग फोर्स इधर लगा दो, खत्म। ये एरो क्लैंपिंग फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लैंपिंग कैसे करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में बताने वाला हूँ, यानी वाई की डायरेक्शन खत्म। अब ये जेड में, एक जेड में ऊपर भाग जा रहा था, तो एक फोर्स जेड में भी लगा दो, क्लैंपिंग फोर्स, कि ये जेड में भी ना उठ पाए। तो जब हम मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम रोकने के बाद फिर भी अगर हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम बच जाती है, तो दोस्तों क्लैंपिंग डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो दोस्तों एक एरो इस तरह से इसमें भी लगा दो, और ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द क्लैंपिंग फोर्स एफ, ये क्लैंपिंग फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्लैंप कैसे बनेगा आगे बस पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। एफ सी का मतलब क्लैंपिंग फोर्स। मैक्सिमम मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम, यस बेटा। अदर बॉडी आप सर्कुलर बॉडी यूज करोगे तो सर्कुलर बॉडी तो घूमेगी ना इसके ऊपर, है ना। तो सर्कुलर बॉडी के लिए वी ब्लॉक बनाया गया है। सागर धर्मिक, सागर धर्मिक हर। अब बेटा एक चीज समझिए, मैंने यही तो बताया था स्टार्टिंग में कि सारे जिग्स एंड फिक्सचर सेम नहीं होते, डिपेंड करता है बॉडी की शेप के ऊपर, वर्क पीस की शेप के ऊपर, किस तरह का वर्क पीस है, ठीक है। चलो तो आगे मूव करते हैं दोस्तों, आई होप कि आप समझ गए होंगे। बात करते हैं क्लैंपिंग की, ठीक है। तो क्लैंपिंग का मतलब है वर्क पीस को हम एडिशनल रोकने वाले हैं, सपोर्ट देने वाले हैं, ताकि वो इधर उधर ना भागे। तो बची हुई जो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं दोस्तों, वो फिर अरेस्ट की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ क्लैंपिंग। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जिग्स एंड फ्लेक्चर तीन प्रिंसिपल पर वर्क करता है। सबसे पहला लोकेटिंग एंड सपोर्टिंग, लोकेटिंग सपोर्टिंग जनरली साथ ही चलती है, ठीक है। फिर आता है दोस्तों लास्ट पार्ट, क्लैंपिंग। लोकेटिंग और सपोर्टिंग जब जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम अरेस्ट कर पाते हैं, और अच्छी अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो फिर आता है क्लैंपिंग। तो देखिए क्लैंपिंग का मतलब है हम वर्क पीस को क्लैम करने वाले हैं, पकड़ने वाले हैं, ऐसे इमेजिन करिए जकड़ने वाले हैं उसको। तो अगर आप उसको जकड़ रहे हो तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो इसलिए आपको उसके प्रिंसिपल को पहले समझना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने वर्क पीस लिया और उसको पकड़ के जकड़ दिया, नो, आपको उसके प्रिंसिपल पर ध्यान देना होगा। तो सी केयरफुली डियर फ्रेंड्स, क्या वर्किंग प्रिंसिपल इसमें हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहला जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये है कि द क्लैंपिंग प्रेशर अप्लाइड मस्ट काउंटर एक्ट विद द टूल फोर्स। बिल्कुल ठीक बात है, मतलब क्लैंपिंग आपको इस तरह से लगानी है। सी केयरफुली, मान लो ये वर्क पीस है और टूल का जो फोर्स है, मान लो इस डायरेक्शन में, ये टूल फोर्स है, ये टूल का फोर्स है एफ टूल, यानी टूल इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने वाला है। तो इट इज वेरी ट्रू कि ये वर्क पीस इधर भाग सकता है, तो आपको जो क्लैंप लगाना है इधर लगाना है, लाइक दिस। मान लो ये कोई क्लैंपिंग डिवाइस है, पिन नहीं है, ये क्लैंपिंग डिवाइस है, लाइक दिस। आगे देखेंगे क्लैंपिंग डिवाइस कैसी कैसी हो सकती है। मान लो इस तरह की आपने एक क्लैंपिंग डिवाइस लगा दी, यानी कि अब ये टूल इधर फोर्स लगाएगा तो क्लैंपिंग डिवाइस काउंटरैक्ट फोर्स लगाएगी, लाइक दिस। आई बात समझ में? इस तरह से आपको वर्क पीस को पकड़ना है, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यानी क्लैंपिंग इस तरह से आपको अप्लाई करनी है कि वो काउंटरैक्ट फोर्स लगाए, मतलब टूल का फोर्स जिस डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट में क्लैंपिंग फोर्स लगानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, क्लैंपिंग प्रेशर शुड नॉट डिफॉर्म द वर्क पीस। आपको इतना क्लैंपिंग प्रेशर नहीं लगा देना कि वर्क पीस को आप डिफॉर्म कर दें, डायमेंशनल इनएक्यूरेसी आ जाएगी, डायमेंशन खराब हो जाएंगी। मतलब आपने इतना ज़्यादा क्लैंपिंग प्रेशर लगा दिया कि वर्क पीस ही डैमेज कर गया, वर्क पीस ही डिफॉर्म कर गया, ठीक। नेक्स्ट, क्लैंपिंग शुड बी सिंपल सिंपल क्विक एंड फुल प्रूफ। ऐसा ना हो कि भैया क्लैंपिंग इतनी खतरनाक है, इतनी ज़्यादा है कि भैया वर्क पीस को निकालने में 2 घंटे लग जा रहे हैं हमें, मतलब मशीनिंग में 5 मिनट लगे और उसको क्लैंपिंग करने में 2 घंटे लग गए। इसलिए क्लैंपिंग बहुत सिंपल होनी चाहिए कि फटाफट क्विकली काम करे। वो फुल प्रूफ का मतलब उससे हमारी हेल्प होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि क्लैंपिंग सर का दर्द बन जाए, उल्टा काम करने लगे, वो पता चला टूल ही नहीं चल पा रहा है, क्लैंपिंग इतनी ज़्यादा मतलब क्रिटिकल आपने कर दिया कि टूल को चलने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है।
तो इस तरह से आपको अपने क्लैंपिंग प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए क्लैंपिंग डिवाइस को डिजाइन करना है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लैंपिंग प्रेशर मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सपोर्ट, अदरवाइज द वर्क विल वर्क में लिफ्ट फ्रॉम द सपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझाता हूँ क्या इसका मतलब, दो मिनट रुक जाए जरा। दूसरा पॉइंट, क्लैंप शुड बी अरेंज अबव द पॉइंट ऑफ द सपोर्ट, इफ नॉट द क्लैंपिंग फोर्स में डिस्टोर्ट द वर्क पीस। कुल मिला के दोनों पॉइंट का क्या मतलब है, सामने देखिए चौथे और पांचवें पॉइंट का, ये देखिए, यानी ये क्लैंपिंग प्रेशर है, ये क्लैंपिंग डिवाइस है, यहाँ पर एक नट बोल्ट है, ठीक है, ये कुछ प्लेट है, ये किसी रिजिड बॉडी से अटैच होगी और ये फाइनली इस वर्क पीस को होल्ड कर रही है, एक तरह से पकड़ के रख रही है। दोस्तों आप इस नट को घुमाते जाएंगे, रोटेशन देते जाएंगे, तो ये वर्क पीस को प्रेस करता जाएगा, तो दोस्तों ये वर्क पीस पर कुल मिला के प्रेशर लगाएगा। और नाउ दिस वर्क पीस इज वेविंग लाइक, नीचे लोकेटिंग पिन है, ये सपोर्टिंग पिन है। नाउ दिस वर्क पीस इज बिहेविंग लाइक वॉट, बिहेविंग लाइक कैंटिल सिंपली सपोर्टेड बीम, और इसके अंदर बेंडिंग आ जाएगी, यानी वर्क पीस डिफॉर्म कर गया, तो इतना प्रेशर आपको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, इतना प्रेशर आपको नहीं लगाना है। सिमिलरली देखें इसकी भी लाइन ऑफ एक्शन किस तरह से जा रही है, कि ये वर्क पीस की बेंडिंग कर दे रहा है, ठीक है। तो क्लैंपिंग डिवाइस इस तरह से आपको यूज नहीं करने हैं। क्लैंपिंग डिवाइस भाई यूज कैसे करने हैं, फिर क्लैंपिंग डिवाइस यूज करना है लाइक दिस, कि इनकी लाइन ऑफ एक्शन कहाँ लाई करनी चाहिए, जहाँ पर सपोर्टिंग पिन्स हैं। आप समझ रहे, सपोर्टिंग पिन का फंडा क्या है, ये है सपोर्टिंग पिन्स, कि वो वर्क पीस को और जो फोर्स है उसको काउंटरैक्ट करे, लाइक दिस। तो फिफ्थ पॉइंट इसी के रिगार्डिंग था, इस तरह से चौथा और पांचवा पॉइंट इसके रिगार्डिंग है, यानी कि जो क्लैंपिंग डिवाइस है, जब आप इस नट बोल्ट को घुमाएंगे तो जो फोर्स आने वाला है, जो प्रेशर आने वाला है, वो इस तरह से आए कि बेंडिंग ना हो। आया समझ में? ये देखिए, ये भी क्लैंपिंग डिवाइस है, नट खोला फटाफट से और इसने नट को थोड़ा टाइट कर दिया, ये क्लैंपिंग डिवाइस वर्क पीस को होल्ड कर लेगी, ठीक है। तो ये जो स्क्रू और नट वाली डिवाइस होती है, ये मतलब रिजिड नहीं होती है ज़्यादा, और ये हैवी ड्यूटी के लिए यूज नहीं होती, मतलब लाइट कटिंग फोर्सेस जहाँ होते हैं वहाँ पे यूज करते हैं इसको, है ना। तो जो नट बोल्ट वाली जो क्लैंपिंग डिवाइसेस हैं, ये कहाँ यूज होती हैं, फॉर लेस कटिंग फोर्स, कटिंग फोर्स कम होता है वहाँ पर ये यूज होती हैं, और ये रिजिड नहीं होती, माइंडेड पीस है ना, रिजिड नहीं होंगी ये, लाइट क्लैंपिंग भी इनको बोलते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए रिप्लाई करते रहिएगा, ठीक है। दे आर कॉल्ड द लाइट क्लैंपिंग, तो नट बोल्ट जब होते हैं तो इनको हम लाइट क्लैंपिंग बोलते हैं, ठीक है। नाउ आगे मूव करते हैं, रिजिड क्लैंपिंग। रिजिड क्लैंपिंग जो थोड़ा सा ज्यादा मतलब वर्क पीस को दबा के रखती है, इनके अंदर ज़्यादा फोर्स लगते हैं, इनके अंदर जनरली हम लीवर वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। तो बेटा बस नाम याद रखने हैं, कभी भी ये बहुत डिटेल में आपको इसमें जाना नहीं है, माइंडेड प्लीज़, ठीक है। हाँ बेटा होती हैं, सारी चीज़ यूज होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो इस तरह से ब्रिज क्लैंप हो सकता है, इस तरह का लैच क्लैंप हो सकता है, यस, और ये हील एंड डॉग क्लैंप हो सकता है, हिंज क्लैंप, हिंज क्लैंप समझ रहे हैं, देखो इस पॉइंट पे ये हिंज है, इस पॉइंट पे ये हिंज है, हिंज क्लैंप हो सकता है लाइक दिस, ठीक। तो ये नीचे आ जाएगा, अब देखो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये एक तरह की पिन है, ये पिन वर्क पीस से टच करती है, ये वाली पिन, जब इसको आप नीचे इस हिंज पॉइंट के अबाउट जब मोशन देंगे और मूवमेंट देंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और ये पिन, ये वर्क पीस है, यहाँ पर ये वर्क पीस है, ये देख रहा है, ये वर्क पीस है, ये वर्क पीस है, ये वर्क पीस को होल्ड कर लेगा। तो ये थोड़ी सी ज़्यादा रिजिड मानी जाती है, ठीक है, ये वर्क पीस को अच्छे से होल्ड करती हैं। कुल मिला के रिजिड क्लैंपिंग डिवाइसेस है, वर्क पीस को पकड़ रही हैं, है ना। एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो बच रही है उनको अरेस्ट करने के लिए इनको यूज करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। एक यहाँ पे भी दिख रही है, देखो ये रही, ये वर्क पीस हो गया, हिंज क्लैम्प्ड इज जिग, बिल्कुल हो सकता है बेटा, जिग जिग, तो देखो जिग सब कुछ जिग ही है, जिग जिग बेसिकली देखो ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे अगर हम इसको ड्रिलिंग के लिए यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ड्रिलिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो ये जिग बन जाएगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। जिग बेसिकली ड्रिलिंग ऑपरेशन में यूज होगा, ठीक,
और वो टूल को गाइड और करेगा, टूल को गाइड कैसे करता बस वो मुझे एक बार समझाना, फिर आप पूछेंगे नहीं दोबारा क्वेश्चन मुझसे कि साहब जिग का मतलब क्या है। ठीक है, बिल्कुल ये जिग हो सकता है, बट कंडीशन ये है कि वो ड्रिलिंग ऑपरेशन में काम आए। और जिग की एक सबसे बड़ी खासियत कि वो वर्क टूल को गाइड करता है, तो वो गाइड कैसे करेगा वो मुझे समझाना एक बार बस, तो वो अभी आगे आने वाला है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, क्विक क्लैंपिंग। क्विक क्लैंपिंग क्या होती है दोस्तों, जो फटाफट जल्दी से हो जाए, ये वाला दोस्तों एक नट होता है, इसके अंदर दो जगह पर थ्रेड होती है, एक इस वाली जगह पर होती है और एक इसके अपोजिट में थ्रेड होती है। और ये थ्रेड एक्चुअली उस तरह की थ्रेड नहीं है कि ये जो चूड़ियों के अंदर चलेगी, ये क्लैंपिंग थ्रेड है, ये पकड़ने वाली थ्रेड है, ये एक्चुअली वर्कपीस को पकड़ती है। तो दोस्तों होता क्या है, ये नट है, इसको जब हमने इस पोजिशन में रखा तो ये मतलब अभी ये टाइट नहीं है, फिर हम इसको प्रेस करते हैं अंदर की तरफ तो ये ऐसे करके प्रेस हो जाता है। और ये जब प्रेस होता है तो ये जो थ्रेड्स है ना, ये इसके अंदर जो थ्रेड कटे हुए हैं, ये इस शाफ्ट को, यहाँ पे जो शाफ्ट है एक तरह का मेंटल कह सकते हैं आप, इसको कस के पकड़ लेता है, यहाँ पे शाफ्ट को कस के ये पकड़ लेता है और ये हो जाता है हमारा दोस्तों वर्क पीस। तो यहाँ पे जो कटिंग ये जो तीस है, नॉट कटिंग, ये जो तीस है इसके एक तरह की जो थ्रेड्स बने हुए हैं, ये थ्रेड्स क्या करते हैं, वो ये एक्शन कैसे करता समझो, इसका जो मोशन डायग्राम बनाता हूँ मैं, ये ऐसे चलता है दोस्तों, ये नट नट कैसे, ये नट है बेसिकली, ये नट है ये, ठीक है, ये एक नट होता है, ये स्पेशल काइंड ऑफ नट है, ये ऐसे मूव करता है, पहले ऐसे जाएगा फिर ये नीचे जाएगा इस तरह से, और उसके बाद फिर आप इसे रोटेट कर सकते हो, घुमा सकते हो, क्योंकि ये जो चूड़ी है ना इसके ऊपर, ये एक तरह की क्लैंप, एक तरह की पकड़ बनाती है किसके ऊपर, इस शाफ्ट के ऊपर, फिर आप इसको रोटेशन दे सकते हो इस नट को, और ये रोटेशन जब नट को देंगे आप, ठीक है, ये आप रोटेशन नट को देते हैं तो ये नट दोस्तों कस के वर्क पीस को आगे, क्योंकि नट जब घूमेगा तो ये आगे की तरफ जाएगा, जब ये आगे की तरफ जाएगा तो वर्क पीस को अच्छे से होल्ड कर लेगा। ठीक, तो इसका जो मोशन डायग्राम होता है वो ये होता है, ऐसे करके नीचे, और फिर आप इसको चाहो तो रोटेशन दे सकते हो ऐसे करके क्लॉकवाइज, और जैसे आप इसको क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे तो ये आगे मूव करेगा, आगे मूव करके वर्क पीस को अच्छे से पकड़ लेगा, और यहाँ पे ये फिक्सर का सपोर्ट लगा हुआ है। क्लैंपिंग टूल को गाइड कैसे करेगा, हाउ, क्लैंपिंग टूल को गाइड नहीं करता दोस्त, क्लैंपिंग टूल को गाइड नहीं करता। एक्चुअली इस बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा ना, पिछला वाला क्वेश्चन, ये हिंज वाला, इसमें होता क्या दोस्त, ये जो क्लैंपिंग डिवाइस है ना, या बीच में हम लोग होल कर देंगे, उस होल से क्या होगा, ये एक तरह का टेम्पलेट जिग बन जाएगा, और टेम्पलेट जिग के लिए ये टूल को गाइड करेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट का समय दे दो, अभी आप हो सकता है इस बात को लेकर कंफ्यूजन में आ गए होंगे कि गौरव सर ने बोला कि साहब ये हाँ ये जिग की तरह काम कर सकता है, जिग की तरह ये कब काम करेगा उसके लिए इसको प्लेम्पलेट जैसा बनना पड़ेगा, कैसे बनेगा थोड़ा सा वेट करो, 2 मिनट का समय दो मुझे जरा। ठीक है ना, इसके अलावा दोस्तों एक क्विक एक्टिंग नट्स होते हैं, इसमें ये बेटा ये सी क्लैंप होता है, सी क्लैंप को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे सी क्लैंप लगा हुआ है, ये रहा सी क्लैंप को बाहर ऊपर की तरफ खींच देते हैं, बीच में नट बोल्ट के बीच में क्लियरेंस आ जाता है, फौरन ये क्विकली असेंबल होता है, क्विकली डिसेंबल होता है, तो ये क्विक क्लैंपिंग कहलाती है। इसके अलावा ये कैम वाली क्लैंपिंग, क्लैंपिंग इस हैंडल को अप एंड डाउन करते हैं, उससे क्लैम ऊपर नीचे जाता है, कैम कैम ऊपर नीचे आता है, कैम की प्रोफाइल की वजह से ये इसके ऊपर बेंडिंग फोर्स लगता है और ये वर्क पीस को यहाँ पे दबा देता है। आ रही बात समझ में भाई, इस हैंडल को हम लोग ऊपर नीचे करेंगे तो कैम घूमेगा, कैम का मोशन होगा लाइक दिस, और कैम की प्रोफाइल के मोशन की वजह से ये जो आर्म है यहाँ पे है ये ऊपर नीचे जा सकती है, तो जब हमें इसको दबाना है तो कैम की प्रोफाइल ऊपर भेज देगी इसको, और जब हमें वर्क पीस को हटाना है तो कैम की प्रोफाइल नीचे आ जाएगी, ये यहाँ से वर्क पीस को रिलीज कर देगा। सागर धर्मिक, संदीप सिंह सर, नहीं क्लैंपिंग, बिल्कुल क्लैंपिंग वर्ड यूज मत करो, जिग 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 काम करेगा, क्लैंपिंग गाइड नहीं करेगा, जिग गाइड करेगा। चलिए समझ गया भाई, तो ये क्विक वाले हैं तो इनके नाम याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लैंपिंग डिवाइस क्विकली वर्क्स, तो नाम दे सकता है वो इस तरह से, तो कैम वाला नाम याद कर लो, सी क्लैम्प याद कर लो, नट वाला याद कर लो, तो नाम याद रखने आपको प्लीज,
आप लोग CIL की, सॉरी आप लोग NLC की और विजाग स्टील की तैयारी जो कर रहे हो बेटा, इसी तरह के 56 भर के क्वेश्चन आते हैं उसमें। पूछ लेगा विच विच क्लैंपिंग डिवाइस इज वेरी क्विक, इस तरह से ऑप्शन बन सकता है। तो प्लीज जितने भी चीजें मैंने पढ़ाई है इनके नाम याद कर लो। लाइट डिवाइस है ये, इधर ये रिजिड वाली हो गई और ये क्विक क्लैंपिंग हो गई। तो कैम वाला जरूर याद करो, कैम वाला ज्यादा पूछा जाता है। नाउ अब देखिए जिग्स की बात करते हैं, जिग्स क्या होता है। देखो अब आते हैं जिग्स पे, क्लैंपिंग डिवाइस खत्म, अब जिग्स समझ लेते हैं जिग्स क्या है। जिग्स दोस्तों जैसे एक टेम्पलेट जिग्स की मैं बात करता हूँ, बहुत ही सिंपल होता है टेम्पलेट जिग्स को समझना कि हाउ ड्रिल्स जो जिग्स होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं टूल की, वो समझते हैं हम। ठीक है, जिग्स कैसे टूल की हेल्प करते हैं, टूल को गाइड करते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। सी केयरफुली, ध्यान से सुनेंगे। एक सिंपल ऑपरेशन लेते हैं, बिल्कुल इंजीनियरिंग में नहीं जाते ज्यादा, बिल्कुल बेसिक ऑपरेशन लेते हैं। ठीक है बेटा, मटेरियल कौन सा होगा, मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो जिसका थर्मल एक्सपेंशन कम हो, हीट से वो ज्यादा थर्मली एक्सपेंड ना करे, स्ट्रांग मटेरियल होना चाहिए। यस, डक्टाइल, ज्यादा उसके अंदर टफनेस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे उसके मटेरियल क्वालिटी है दोस्तों। संदीप सिंह, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी है, ज्यादा उसमें भी आपको डेप्थ में नहीं जाना है। ठीक है ना, सी केयरफुली, किस तरह से हेल्प करते हैं जिग्स, ये अब मैं आपको समझाता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों पढ़ने जा रहे हो, जरा 10 मिनट और मुझे दे दो तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये दोस्तों। लेट अस अज्यूम ये कोई प्लेट है, एक बेसिक प्रोसीजर मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर। सपोज एक प्लेट में आपको होल करने हैं, ये एक प्लेट है, इसमें आपको होल करना है। यहां पे आप क्या करोगे, मार्किंग करोगे सबसे पहले, ऐसे मार्किंग करोगे। मार्किंग करने के बाद यहां पे इंडेंट बनाओगे। इंडेंट बनाना बेटा सेंटरिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, ड्रिलिंग का सबसे पहला ऑपरेशन होता है सेंटरिंग। इसमें हम लोग सेंटर 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 से एक ड्रिल से मतलब इसके अंदर इंडेंट बनाते हैं, छोटा सा गड्ढा बनाते हैं। ठीक है, तो ड्रिलिंग से याद रखेंगे, ड्रिलिंग का सबसे फर्स्ट ऑपरेशन होता है, ड्रिलिंग प्रोसेस का सबसे फर्स्ट ऑपरेशन होता है सेंटरिंग। सेंटरिंग करते हैं मतलब सेंटर बनाते हैं यहाँ पे, ताकि जो ड्रिल बिट का जो कटिंग एज होता है, जो ड्रिल बिट की जो टिप होती है, वो इधर उधर मूव ना करे। तो दोस्तों अब आपने क्या करना है, आप इमेजिन करो, आपने पहले इसकी मार्किंग करनी है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे आप, फिर यहाँ पे आप मार्किंग करने के बाद गड्ढा बनाएंगे, सेंटरिंग प्रोसेस करेंगे, उसके बाद ड्रिल मशीन, फिर इसको फिक्स करेंगे, फिक्स करेंगे मशीन के ऊपर ले जाके कहीं पे, यस वाइस पे फिक्स करेंगे फॉर एग्जाम्पल, तब जाके ड्रिल को इसके अंदर चलाएंगे और गड्ढा, तब जाके आपका होल बनेगा। फिर आप नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में यही काम करेंगे। और मान के चलो आपको 100 इस तरह की प्लेट्स में होल करने हैं, तो आप 100 बार मार्किंग करेंगे। कितनी बार मार्किंग करेंगे, 100 बार। ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हम 100 बार की मार्किंग से बच जाएं। कैसे बचेंगे समझिए, अब उसके लिए दोस्तों क्या करते हैं, जो पहली प्लेट होती है जिसको मैं आपने मार्क किया और दो गोले बना लिए, उस पहली प्लेट को हम लोग एज अ टेम्पलेट, कैसे एज अ टेम्पलेट यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं टेम्पलेट, हम उस प्लेट को हटा लेंगे और उसको हम लोग टेम्पलेट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, कि वो एक टेम्पलेट है, मतलब एक तरह का ये आपके लिए स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड वर्क पीस हो गया ये। अब इसको हम बोल देंगे टेम्पलेट जिग। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। लेट अस अज्यूम कि आपको ये दो होल बनाने हैं प्लेट के अंदर और आप एक नॉर्मल प्रोसेस कर रहे हैं, तो आपको मान के चलिए 100 कंपोनेंट अगर प्रोड्यूस करने हैं, तो आपको कितनी बार मार्किंग करनी पड़ेगी, 100 बार। 100 बार मार्किंग करनी पड़ेगी, 100 बार सेंटरिंग करनी पड़ेगी, है ना। हमने क्या किया, हमने इस पहली प्लेट को, जो फर्स्ट वाली प्लेट थी, उसको हटा लिया, उसको हमने टेम्पलेट जिग समझ लिया। अब क्या करना, सुनो ध्यान से, अब जैसे ही सी गर्वली ये आपकी टेम्पलेट जिग हो गई, अब आगे समझिएगा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आपको दूसरी प्लेट में अगर जब होल करना है, सामने देखेंगे सब लोग, आपको दूसरी प्लेट में होल करना है, ये है टॉप व्यू और अब आप देखेंगे इसका साइड व्यू, तो ये रही आप प्लेट, ये वो प्लेट है जिसमें आपको होल करना है, साइड व्यू देख रहे हैं आप लोग, हम
अब हम इसी का साइड व्यू देख रहे हैं। अब ये वो प्लेट है सेकंड नंबर वाली प्लेट जिसमें जिसके अंदर आपको होल करना है। प्लीज लिसन केयरफुली वरना सब गुड़ गोबर हो जाएगा। कैसे जिक्स जो है हेल्प करते हैं, ठीक है? तो दोस्तों सी केयरफुली, ये जो दूसरी प्लेट अब आपने उठाई जिसमें आपको होल करना है, और होल कहां पे करना है आपको, यहां पे करना है इस जगह पे, मतलब वही सेम जगह पे जो अभी था। अब आपको कोई सेंटरिंग करने की जरूरत नहीं, आपको कोई मार्किंग करने की जरूरत नहीं, कोई आपको इंडेंट बनाने की जरूरत नहीं। आप क्या करिए, इसी प्लेट के ऊपर जिसमें आपको होल करना है, उस पेम्पलेट वाली प्लेट को, टेम्पलेट वाली प्लेट को उठा के रख दो। रख दिया था उठा के, इसी के जस्ट ऊपर रख दो। रख दिया। और ये कौन सी प्लेट है? ये टेम्पलेट प्लेट है जिसके अंदर पहले से होल बना हुआ है। माइंड इट प्लीज, ये वो प्लेट है जिसके अंदर पहले से होल बना हुआ है। ये कौन सा प्लेट है? टेम्पलेट जिग, जिसको आप बोल रहे हैं टेम्पलेट जिग। ये टेम्पलेट जिग है जिसके अंदर पहले से होल बना हुआ है। अब इन दोनों प्लेट को क्लैंपिंग डिवाइस से क्या कर दो, दोनों प्लेट को क्लैंपिंग डिवाइस से, फॉर एग्जाम्पल ये क्लैंपिंग डिवाइस से हमने दोनों दोनों प्लेट्स को पकड़ लिया, इधर से इसको और इधर से इसको, ये क्लैंपिंग डिवाइस से हमने दोनों प्लेट को पकड़ लिया। समझ पा रहे क्या कह रहा हूं मैं? ये वो प्लेट है इसके जस्ट ऊपर जो दूसरी प्लेट है। अब क्या करो, अब ड्रिल को लेके आओ सीधे। अब आपको कोई मार्किंग करने की जरूरत नहीं, अब आप ड्रिल को बुलाओ सीधे, जो ड्रिलिंग कटिंग टूल है, ड्रिलिंग टूल को बुलाओ सीधे, सामने देखते जाएंगे। ड्रिलिंग टूल को बुलाइए, हटाओ सब इसको, अब कोई जरूरत नहीं इसकी हमें। अब सीधे क्या करिए, समझ पा रहे होंगे मैंने क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं? क्लैंपिंग डिवाइस से उसको जोड़ दो, अब सीधे ड्रिल को लेके आओ, ड्रिल बिट को। अब सीधे ड्रिल बिट को लेके आओ, ये रही ड्रिल बिट साहब, सामने देखते जाइए प्लीज, ये रही ड्रिल बिट। और ड्रिल बिट क्या होता है दोस्तों? ड्रिल बिट होता है टूल, ड्रिल बिट होता है टूल, ये रही साहब ड्रिल बिट। अब आपको पता चल गया ना कहाँ होल करना है। आपको क्या करना है, इस ड्रिल बिट को इस होल में उतार देना है सीधे, किस्सा खत्म। और ये सीधे कहाँ जाएगा? नीचे वाली प्लेट में, और नीचे वाली प्लेट में होल हो जाएगा। आई बात समझ में? नीचे वाली प्लेट में होल हो जाएगा, इज इट क्लियर? तो इस टेम्पलेट जिग ने इस टूल की क्या कर दी, इस टूल की हेल्प कर दी, इसको बता दिया, इस टूल को गाइड कर दिया कि भैया होल यहां कर, इस जगह पे। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? अब अगले स्टेप में क्या, जब ये वाला होल हो जाएगा इसको बाहर निकाल लो, फिर इसी इसी ड्रिल को फिर दोबारा इस वाले होल में उतार दो। तो ये जो फर्स्ट वाला टेम्पलेट जिग है, ये बेसिकली क्या है, ये टूल को गाइड कर रहा है कि भैया यहां छेद कर दे। और आपको इस वक्त कोई मार्किंग वार्किंग करने की जरूरत नहीं, सीधे उसको ले जाइए और होल कर डालिए। इसको बोलते हैं टेम्पलेट जिग। समझ में आ गया हो तो बेटा बता दो। तो समझ में आया किस तरह से टूल हेल्प, टूल की हेल्प करता है जिग, इस तरह से करता हूं। इसीलिए ड्रिलिंग में इसको हम ज्यादा यूज, ड्रिलिंग में ही जिग को हम लोग यूज करते हैं। बेटा अगर सबको समझ में आया तो 19-20 बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, सबका यस चाहिए, और नहीं आया तो नो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो बेटा आप वहां बैठ के यस और नो बोल सकते हो यार। ये मेरा बेटा सुबह से मेरा ये छठवां लेक्चर है, सॉरी मतलब लगातार मैंने तीन तीन क्लासेस स्पेशल की ली, फिर एक रिकॉर्डिंग करी, और फिर ये मेरी लगातार क्लास है बेटा। तो आप लोगों को अगर समझ में आता हो तो प्लीज रिप्लाई कर दिया करो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि बच्चों को समझ में आ भी रहा है कि नहीं। तो मैंने आपको नंबर दे रखा बेटा, किसी भी इंस्टेंट में आपको कोई दिक्कत आती है डायरेक्टली कॉल करिए मुझे, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। बहुत बढ़िया दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। तो समझ में आया किस तरह से जिक्स हेल्प करते हैं टूल की, वो बता देते हैं कि भैया यहां होल कर दो। तो अब आपको कोई मार्किंग की आवश्यकता नहीं है, कहाँ होल करना कुछ नहीं करना, जहां पहले से प्री 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 ड्रिलिंग हो रखी है उसी में आगे होल कर दो, खत्म। अब इस प्रोसेस को और एफिशिएंट बनाने के लिए वापस आते हैं, इसी सेम प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्लेट टाइप जिग्स, ठीक है? तो ये टेम्पलेट जिग्स ही है, लेकिन इसके अंदर बुश यूज करते हैं हम लोग। क्या यूज करते हैं? बुश। इसके अंदर हम लोग एक बुश यूज करते हैं। तो देखो क्या मतलब है यहाँ पर, सीकर बोली। हाँ भैया अमन आफले, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, बिल्कुल उसी तरह से। प्लेट टाइप जिग, इट इज सिमिलर टू द अबव, मैंने क्या बोला, बिल्कुल सेम होता है। ये समझ पा रहे हैं? देखो ये डायग्राम मैंने बनाया था, ये रहा, ये आपकी टेम्पलेट जिग हो गई,
और ये आपकी वो वाली प्लेट है जिसमें आपको होल करना है, मतलब ये आपका वर्क पीस हो गया एक तरह से। नाउ प्लेट टाइप जिग्स बेटा बिल्कुल सेम होता है, कोई अंतर नहीं है, ये टेम्पलेट जिग्स ही है, बट इसके अंदर क्या आ जाएगा, बुश आ जाएगा। बुश क्या होता है दोस्तों, बुश एक एडिशनल पार्ट होता है जो और अच्छे से हमें होल करने में मदद करता है। कैसे करता है बताता हूँ अभी आपको, और ये टेम्पलेट जिग को डैमेज होने से भी बचाता है। कैसे समझिए, अब दोस्तों मान लो आप केवल सिंपल टेम्पलेट जिग यूज कर रहे हो, अब इसमें बार बार ड्रिल ड्रिल का बिट जब जाएगा इसके अंदर, इमेजिन करो सामने देखो, इस टेम्पलेट के अंदर बार बार जब जिग ये जो ड्रिल जाएगा तो ये इसकी सरफेस को डैमेज कर देगा ना यहाँ से, तो टेम्पलेट जिग हमारा खराब हो जाएगा। एग्री करते हो इस बात को, यस और नो में जवाब करिएगा प्लीज। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया आप लोग समझ गए, वेरी गुड। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो दोस्तों, ये अलग से जो पार्ट देख रहे हो आप, ये है बुश। ठीक है, ये दो तरीके का होता है, एक हेड टाइप बुश होता है, एक विदाउट हेड टाइप बुश होता है। ये रहा, इसमें हेड नहीं है, ये ऊपर का पार्ट हेड कहलाता है, ये हमारा मेन होल है, ये रहा जिसमें हमें होल करना है वो ये है। ये अलग से जो पार्ट देख रहे हो आप, ये बुश है। अब इस बुश के क्या फायदे समझिए, सबसे पहला फायदा कि ये इस जिग को, जिग की सरफेस को डैमेज होने से बचाएगा, जिग की सरफेस को जो प्रिवेंट करेगा। इसके अलावा दोस्तों जिग के सरफेस के होल को हम सी केयरफुली, अब समझिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ। देखो ये रहा, बताया मैंने बुश के बारे में बात करी, तो ये बुश है, ये एक्चुअल में ये जिग है, टेम्पलेट जिग्स, और ये हमारा हेड है। ये हेडेड वाला कौन है, ये नीचे लिखा हुआ हेडेड वाला बुश है, और ये हेडलेस बुश है। हेडेड बुश तब यूज करते हैं जब हमें बुश को भी कभी कभी हमें प्रेस करना होता है, बुश को भी क्लैम करना होता है। कभी कभी बुश क्या होता है, ऊपर उठ के आ जाता है जब हाई फोर्सेस होते हैं, तो इसको हमें क्लैम करना होता तब हेडेड बुश यूज करते हैं। लाइट ड्यूटी के लिए हम बिना हेडेड वाला बुश भी यूज कर सकते हैं, तो जब हमें इस बुश को भी क्लैम करना होता है तो हेडेड बुश यूज करते हैं, माइंड इट प्लीज, क्योंकि हमें इसे इसको भी कभी कभी कई बार रोक के रखना होता है क्लैम करके, तो वहां पर हेडेड बुश यूज करते हैं। और कई बार जहाँ लो ड्यूटी होती है, बुश उठ के नहीं आता ऊपर, तो वहाँ हेडलेस बुश भी हम लोग यूज कर पाते हैं। अब सुनिए ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ, बुश से सबसे पहला फायदा क्या है, बुश से सबसे पहला फायदा कि लाइफ ऑफ टेम्पलेट जिग बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी रबिंग नहीं होगी। दूसरा सबसे बड़ा फायदा सामने देखिए प्लीज, सी केयरफुली, मान के चलिए आपका टेम्पलेट जिग है, ये वही टेम्पलेट जिग है, और आपने इसमें दो होल कर दिए बड़े बड़े, जिनका डायमीटर मान लो 20 mm है। अब आपको इस टेम्पलेट जिग की हेल्प से, एग्जैक्टली संदीप सिंह, बहुत बढ़िया, अगर डैमेज होगा तो बुश होगा, बुश को हम लोग रिप्लेस कर पाएंगे। बहुत सही बात है भाई, बुश एक छोटा सा एलिमेंट, अगर ये खराब भी हो जाता है तो हम इसको बहुत आसानी से रिप्लेस कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक बोला इस बच्चे ने, आगे मैं इस पॉइंट को कवर करता बट इसने बीच में टोक दिया। देखो ये जो बुश होता है दोस्तों, इसके मटेरियल की एक्चुअली मैं बात करने जाता हूँ आपसे, तो इस बुश का मटेरियल बेसिकली हम लोग हार्ड रखते हैं ताकि वो जल्दी खराब ना हो, और दूसरी सबसे बड़ी चीज, अगर ये खराब हो भी रहा है तो हमारा बड़ा पार्ट डैमेज नहीं हो रहा, मतलब टेम्पलेट एक बड़ा पार्ट है वो डैमेज हो गया तो दिक्कत है, बुश डैमेज हो जाएगा तो उसको हम रिप्लेस भी कर पाएंगे आसानी से। बिल्कुल ठीक पॉइंट। नाउ पहले समझिए मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ, लेट अस अज्यूम ये वही टेम्पलेट जिग है और इसमें हमने 20 mm का डायमीटर बना दिया, लेकिन अब हम इस टेम्पलेट जिग से मैं चाहता हूँ 10 mm का होल करना, तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, मैं 10 mm का बुश उठाऊंगा और इसके अंदर प्लेस कर दूंगा, ये रहा, यानी इतनी स्पेस किसने घेर ली, बुश ने घेर ली, इतनी स्पेस किसने घेर ली, बुश ने घेर ली, और अंदर का इफेक्टिव डायमीटर कितना बचा मेरे पास, ये अंदर का डायमीटर बचा 10। आई कुछ बात समझ में, अंदर का डायमीटर कितना बचा 10, कितने लोगों का समझ में आई। अब 10 डायमीटर का ड्रिल उठाइए और होल कर दीजिए, आई कुछ बात समझ में भाई, अंदर का डायमीटर कितना बचा, 10 बचा क्योंकि मैंने बुश घुसेड़ दिया उसके अंदर। यस, अब एक और चीज समझिए,
मान लीजिए टेम्पलेट जिग का तो 20 mm डायमीटर, मुझे होल प्रोड्यूस करना है 12 mm का, इस बार क्या करूंगा मैं, सामने देखें, इस बार क्या करूंगा मैं इस बार इस वाले बुश को हटा दूंगा, हट गया था, बड़ी आसानी से हट जाएगा। अब मैं दूसरा बुश ले लूंगा, कौन सा बुश ले लूंगा, दूसरा बुश ले लूंगा जिसका जो इफेक्टिवली कितना डायमीटर देगा मुझे अंदर, 12 mm का डायमीटर देगा, दूसरा बुश ले लिया मैंने, तब ये रहा ये अंदर का डायमीटर 12 बचा। अगर मुझे इसी सेम 20 mm के टेम्पलेट जिग से 6 mm का ड्रिल करना है, अब क्या करूंगा, इस वाले जिग को हटा दूंगा यहां से, इस वाले बुश को हटा दूंगा, नया बुश ले लूंगा जिसका डायमीटर थोड़ा था और वो ज्यादा थिकनेस होगी जिस बुश की, उसको ले लूंगा। मैं लो साहब मैंने दूसरा ले लिया, ये बुश डाल दिया मैंने इसके अंदर, इतनी जगह बुश ने घेर ली, बचा हुआ डायमीटर पता 6 का, 6 mm का ड्रिल लेके होल कर दिया। यानी कि विद द हेल्प ऑफ बुश, विद द हेल्प ऑफ बुश हम सेम टेम्पलेट से डिफरेंट डायमीटर ऑप्टेन कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? विद द हेल्प ऑफ सेम टेम्पलेट हम लोग बुश की हेल्प से डिफरेंट डायमीटर ऑप्टेन कर पाएंगे, क्योंकि बुश क्या है, बुश एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम बहुत आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। ये वाला बुश निकाल दिया, दूसरा बुश लगा दिया, ये वाला बुश निकाल दिया, तीसरा बुश लगा दिया, ऐसे कर करके डिफरेंट डायमीटर कैन बी ऑप्टेन। और यहां पे लिखा भी हुआ सी कैरफुली, हैंस द सेम प्लेट कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट साइज ऑफ द ड्रिल बाय रिप्लेसिंग द जिग बुश प्रोवाइडेड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वर्क वर्क पीस इज नॉट चेंज। मतलब वही सेम मतलब पैम्पलेट से हम डिफरेंट डायमीटर ऑप्टेन कर पाएंगे। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ गई है मेरे बच्चों? हाँ एग्जैक्टली, मैक्सिमम साइज के अंदर सारे सारे साइज आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जिग जो है काम करते हैं, किस तरह से ये वर्कपीस को हेल्प करते हैं। तो इतना ही फिलहाल आपके लिए आज का बहुत है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं, कुछ बचे हों तो इसमें। बाकी एक बार अगर सारे लोग यस बोल देंगे तो मेरा बेटा उत्साहवर्धन हो जाएगा, मुझे भी लगेगा कि यहाँ भी बच्चों के समझ में आ रहा है। बुश जो होते हैं याद रखेंगे, बुश जनरली बेटा हार्ड एंड बुश होते हैं। ये हार्ड एंड का मतलब इनकी हार्डनेस बढ़ाई जाती है। बुड बेटा बुश हमेशा हार्ड एंड होते हैं, इनकी हार्डनेस ज़्यादा रखते हैं, यस, ताकि ये वियर कम करें, सो दैट वियर क्या हो, वियर इनका लेस हो, वियर ये लेस करें, ठीक है। हार्ड एंड रखते हैं इसको, इसका मटेरियल जनरली ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा हार्ड होता है टेम्पलेट के मटेरियल से, ठीक। और ये बुश क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं टेम्पलेट को, है ना। बुश प्रिवेंट्स द डैमेज ऑफ द टेम्पलेट्स, प्रिवेंट्स द डैमेज टू जिग्स, ये जिग्स को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। और यू कैन से टेम्पलेट जिग्स को ये प्रिवेंट करते हैं, तो टेम्पलेट जिग्स का जो डैमेज है उसको ये प्रिवेंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। लिख लो फटाफट से, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूं, इनको लिख लीजिएगा, कई बार ये पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो सी केयरफुली। टर्निंग के जो फिक्सर होते हैं जनरली, टर्निंग के जो फिक्सर होते हैं जनरली बेटा, वो चक होते हैं, चक्स, यस, फेस प्लेट जो लगी होती है हेड स्टॉक के ऊपर, फेस प्लेट की बात कर रहा हूँ, यस, फेस प्लेट्स, मैंड्रल्स हो सकते हैं एक्सेट्रा। तो ये टर्निंग फिक्सर्स हैं, या शेपर फिक्सर में जनरली शेपर के जो फिक्सर होते हैं, शेपर मशीन की बात कर रहा हूँ, शेपर का फिक्सर जनरली वाइज होता है, मशीन वाइज जिसको हम लोग बोलते हैं, मशीन वाइज, ठीक है।
जिसमें आप लोग वर्क पीस को पकड़ लेते हो ना, वाइस होती है उसके अंदर एक रोटेटिंग लीवर होता है, उस रोटेटिंग लीवर को घुमाते हैं तो वाइस के जो जॉ होते हैं वो आगे पीछे चले जाते हैं, तो उससे हम वर्क पीस को पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से मिलिंग मशीन के अंदर भी फिक्सर्स होते हैं। तो ये कॉमन नाम्स हैं, मतलब नाम आपको बता रहा हूँ कि कुछ नेम्स हैं जिनको आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ ले भाई क्या एग्जाम्पल है जिग्स एंड फिक्सर्स का, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से। ठीक, तो यहाँ पे भी मिलिंग मशीन वाइस होता है, मशीन वाइस। ठीक है, इसके अलावा सेटिंग ब्लॉक्स होते हैं इसके अंदर, मिलिंग मशीन के अंदर। ठीक है, एक्सेट्रा। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में प्लस पे पढ़ाता हूँ, किस तरह से ये काम करते हैं वगैरह वगैरह। तो अगर आपको किसी को प्लस पे स्टडी करनी है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस एक्सेट्रा वैसे नाम मैंने आपको बता दिया, इस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो जिग्स एंड फिक्सर कुछ और नहीं है, ये बस वर्क होल्डिंग डिवाइसेस हैं। ठीक है, दैट्स इट। साई किरण राव, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। डेफिनेटली डियर, आप लोग मेहनत करते जाइए, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। परेशान नहीं होना किसी भी लेवल पे लेके, मेरा नंबर नोट कर लो, किसी को भी दिक्कत परेशानी है, डज नॉट मैटर कि आप मेरे पेड सब्सक्राइबर हैं कि नहीं, आप डायरेक्टली मुझे कॉल करिए, नो वरी एट ऑल। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पेड सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन वो उनसे मेरी डेली बातें होती हैं। तो आप कभी ऐसा मत सोचिएगा कि गौरव सर हैं तो भाई इनसे हम लोग जब ये सब्सक्राइब कर लेंगे तभी बात करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आपको जब मेरी ज़रूरत फील हो आप मुझे बेझिझक कॉल करिए। टी वोल्ट्स या स्कॉलेट, संदीप सिंह, बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चे, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर आया है तो बेटा लाइक सब्सक्राइब करे बिना जाइएगा मत, है ना। लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दिया करो ताकि और बच्चों को ये नॉलेज मिल जाए। बाकी वो बच्चे जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं पर्सनली फॉर द गेट एंड ESE सीरियस प्रिपरेशन, ये तो अभी क्रैश कोर्स है, जिनको सीरियस प्रिपरेशन करनी है, तो दोस्तों आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो GPS लाइव टू गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। इसके अलावा इससे क्या क्या फ़ायदे हैं दोस्तों, वो मैंने यहाँ समझा रखे हैं। मेरे कोर्स से आप इसके अलावा 30+ फैकल्टी